सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीव विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आज मैं अगेन अपनी फेवरेट कलेक्शन में से एक नॉवल आप लोगों के लिए लाई हूँ। नॉवल का नाम है दिल यूँ मिले हमारे बाय ज़ीनिया शर्जील। और इस नॉवल को चूज़ करने के पीछे आप लोगों का इंटरेस्ट है। जब मैं एक नॉवल दश्त वहशत बाय महविश अली लाई थी अपने चैनल पर, तो वो नॉवल आप सबको किस कदर पसंद आया था इस बात का इजहार आप लोग बारहा कर चुके हैं। और आप लोगों के मैंने अक्सर के कमेंट्स ये पढ़े थे कि दश्त वहशत से पहले जो भी उनका फेवरेट नॉवल था, लेकिन दश्त वहशत सुनने के बाद उनका मोस्ट फेवरेट नॉवल की टॉप लिस्ट में अब दश्त वहशत है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए उस जैसा नॉवल जब मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए लाऊं। लेकिन ओबियसली अंदर की स्टोरी लाइन सेम नहीं है, अगर एज़ इट इज़ होती तो अंडरस्टूड है कि मैं क्यों लाती फिर अगर बिल्कुल ही वैसा नॉवल होता। ज़ाहिर है अंदर से बहुत चीज़ें चेंज हैं, कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ जो नज़र आएंगी, जो आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगी। जैसे उसमें भी एक ब्लैक किंग था, वो भूले तो नहीं होंगे आप लोग, इसमें भी आपको एक ब्लैक किंग मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी सी अगर मैं आपको मज़ीद नॉवल जनरे बताऊं, तो आपको ये भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बेस्ड है, गैंगस्टर बेस्ड है, एक ब्लैक किंग मिलेगा इस नॉवल में आपको, उतना ही डेंजरस जितना वो था, लेकिन हाँ थोड़ा कम, वो तो बहुत ही अलग लेवल था। वहाँ पर तो वहाँ तो उसको तो रीड करते हुए अक्सर मेरा कलेजा मुँह को आ रहा होता था और आप लोगों की भी हालत टाइट हो रही होती थी सुन के, लेकिन ये उतने लेवल का डेंजरस नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, मिस्टीरियस नॉवल है, जो हीरो है वो पुलिस मैन है, और इसमें भी आपको हीरो और हीरोइन का एक प्रॉपर ना कुत्ता फाइट्स नज़र आएंगे, जैसे उस नॉवल में आपको बुरहान और मुस्कान की नज़र आती होती थी। और इसके अलावा इसमें जो है वो किड्स और गर्ल्स की स्मगलिंग जिस तरह उसमें आपको नज़र आती थी ना, जो ब्लैक किंग के पुट्ठे काम होते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक ब्लैक किंग है और वो भी सारे जो है वो पुट्ठे कामों में ही मुलव्विस होता है। इसके अलावा क्लास डिफरेंस है, और ये बेसिकली वो तो चार कपल्स की कहानी थी, ये दो कपल्स की कहानी है। तो थोड़ा सा मैंने आपको थीम बताया है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली डेवलप हुआ होगा। लेकिन ये ज़रूर बताती चलूँ कि ये नॉवल उसकी हरगिज़ कॉपी नहीं है, और दूसरी ये बात कि ये नॉवल पहले लिखा गया था, वो बाद में लिखा गया, तो कॉपी कोई भी नहीं है एक दूसरे की। लेकिन हाँ, स्टोरी लाइन अंदर से कुछ कुछ मिलता है जो कि अंदर की, लेकिन स्टोरी बाकी चेंज है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। खैर, अब नॉवल को शुरू करते हैं। दिल यूँ मिले हमारे बाय ज़ीनिया शर्जील, एपिसोड 1। ले ठूस खाना, अगर इससे भी तेरा पेट ना भरे तो मुझे और अपने बाप को भी खा जाए। मनहूस ने मेरी ज़िंदगी में आकर अपनी शक्ल की तरह मेरी किस्मत भी काली कर दी। नजमा ने तकरीबन प्लेट में मौजूद सालन काशिफ की तरफ पटकते हुए रखा, वो किचन का काम करते हुए मुसलसल बुड़बुड़ाने लगी। 11 साल काशिफ ने गुस्से में उस औरत को घूरा जो कि उसके बाप की दूसरी बीवी थी। वो उसे 2 दिन बाद खाना दे रही थी, मगर एहसान जताते हुए। काशिफ का कसूर सिर्फ इतना था कि पैदाइश के वक्त उसकी सगी माँ उसे पैदा करने के बाद मर चुकी थी। फ़हीम ने दूसरी शादी नजमा से की, मगर नजमा काली सूरत के काशिफ को कबूल नहीं कर पाई। अपनी औलाद ना होने के बावजूद उसे शुरू से ही काशिफ का वजूद खटकता था। शादी के 5 साल बाद अब वो माँ बनने के मराहिल से गुजर रही थी, मगर तब भी उसके दिल में काशिफ के लिए नरमी पैदा ना हो सकी। क्या रोटी और मिल सकती है, मुझे भूख लग रही है, काशिफ ने बेगैरत बनकर सारी कड़वी कसीली बातों को नज़रअंदाज करके नजमा से पूछा। 2 दिन बाद एक रोटी से भला उसकी भूख कैसे मिट सकती थी। भूख लग रही है तुझे, रोटी खानी है, ये ले खा रोटी। नजमा जो के सिल पर चटनी पीस रही थी, काशिफ की बात सुनकर उसको पतंगे लग गए। उसने अपने पाँव से चप्पल उतार कर काशिफ को मारना शुरू कर दिया। पिछले 5 साल से वो काशिफ के साथ ऐसा ही करती आ रही थी, लेकिन काशिफ अब बड़ा हो रहा था, वो उसके जुल्म कब तक सहता। उसने नजमा को आज पीछे ज़ोरदार तरीके से धक्का दिया। 8 माह का भारी भरकम वजूद लिए वो पीछे ज़मीन पर गिर पड़ी और तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से चीख निकल गई। मगर काशिफ उसको तड़पता हुआ देखकर हंसने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फ़हीम से उसको मार पड़वा कर हंसती थी। खा जाऊँगा मैं आज तुझे भी और तेरे इस बच्चे को भी, काशिफ किचन में मौजूद बट्टा लेकर आया और उसने गुस्से में बट्टे से नजमा का सर कुचल दिया। दर्द की शिद्दत से नजमा की चीखें एक बार फिर बुलंद हुईं, वो सिसकने लगी। नजमा का खूनम खून वजूद सहन के बीचों बीच पड़ा था। काशिफ चिंगेर से दूसरी रोटी निकाल कर प्लेट में मौजूद सालन को साफ करने लगा। नजमा नजमा, ये क्या हुआ है इसे, फ़हीम उसी वक्त घर लौटा था। सहन में नजमा का खूनम खून वजूद देखकर वो उसे झंझोड़ कर पुकारने लगा, मगर नजमा के वजूद में हल्की सी जुम्बिश नहीं हुई। तब वो काशिफ की तरफ आया और चीखता हुआ उससे पूछने लगा,
काशिफ जो कि बट्टा अपनी गोद में रखे आराम से खाना खाने में मगन था, बाप के चीखने पर वह उसकी तरफ देखने लगा। अब्बा, अच्छी औरत नहीं थी तेरी बीवी जब देखो चीखती रहती थी, मारती रहती थी। उसकी आवाज़ें मेरे सर में घुसती थी, जब ही आज मैंने उसका सर खोल कर रख दिया। काशिफ आराम से अपने बाप को बताने लगा। दूसरी रोटी भी ख़त्म हो चुकी थी मगर काशिफ की भूख अभी भी बाकी थी। तूने मार डाला इसको, हराम खोर, ये तेरी माँ थी, फहीम गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता हुआ बोला। वो काशिफ के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ता कि काशिफ ने गोद में रखा हुआ बट्टा फहीम के सर पर भी दे मारा, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा और खून फवारे की सूरत उसके सर से निकल पड़ा। अब तू भी चीख रहा है बिल्कुल उस नीच औरत की तरह, काशिफ फहीम के पास आकर मज़ीद बट्टे से उसके ऊपर वार करता हुआ बोला। फहीम उससे माफ़ी मांगता हुआ खौफ से पीछे हटने लगा। तूने माँ बोला उसे मेरी, ये माँ नहीं थी, डायन थी, और तू भी मेरा बाप नहीं, उस डायन का शौहर है, काशिफ ने फहीम के सर को मज़ीद निशाना बनाते हुए कहा। जब फहीम सिसक सिसक कर मर गया तब काशिफ ने चिंगेर में रखी हुई तीसरी रोटी निकाली मगर अब सालन ख़त्म हो चुका था। ये तूने अच्छा काम किया, बढ़ने से पहले चटनी पीस गई, काशिफ सिल पर मौजूद पुदीने की चटनी से किचन में खड़े होकर रोटी खाने लगा। कॉलेज की कैंटीन स्टूडेंट्स से खचाखच भरी हुई थी। उस वक्त सिर्फ एक ही टेबल खाली थी और उस पर बैठकर कोई भी डेविल ग्रुप से टक्कर लेने की जरूरत नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टेबल पर उसी ग्रुप के लड़के फ्री लेक्चर में मौजूद होते। ये ग्रुप छः लड़कों पर मुश्तमिल था और ये छः लड़के इंतहा के बिगड़े हुए अमीरजादे थे। इस बॉयज़ कॉलेज में उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था और ना ही एक्शन ले सकता था, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए डेविल ग्रुप अक्सर कॉलेज के रूल्स तोड़कर अपनी मनमानी करता हुआ पाया जाता। यहाँ तो हाउसफुल है बॉस, चलो कॉलेज के कंपाउंड में चलते हैं, फरहान कैंटीन में रश देखकर शारिक, बंटी और जैडी से बोला। लगता है पढ़कर तुम्हारी आंखों की बिनाई गुम हो गई है, जो तुम्हें वो खाली टेबल नज़र नहीं आ रही, चलो उस पर चलकर बैठते हैं, जैडी फरहान को देखता हुआ बोला और टेबल की तरफ जाने लगा। उसके पीछे बंटी और शारिक भी चल दिए। क्यों पंगा ले रहा है यार उन लोगों से बिला वजह में, पिछली बार सर इम्तियाज की वार्निंग भूल गया, अगर अब तेरा रोनी से झगड़ा हुआ ना तो बात कॉलेज के डीन तक पहुंच जाएगी। रोनी डेविल ग्रुप का सरदार था, जिसके दम पर उसके बाकी के 5 दोस्त उछलते थे। बाकी के दूसरे स्टूडेंट्स और जूनियर्स डेविल ग्रुप के आगे कुछ नहीं बोलते, मगर उन्हीं की क्लास का जैडी, जिससे रोनी का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता, अक्सर वेश्तर जैडी और रोनी में किसी न किसी बात को लेकर तसादुम होता रहता, जो अक्सर झगड़े के बाद मारपीट पर ख़त्म होता। पंगा मैं नहीं, रोनी और उसका ग्रुप लेता है मुझसे, और ये बात तुम भी और पूरा कॉलेज जानता है, जैदी फरहान को देखता बोला था। मगर अभी तो उसकी टेबल पर बैठकर बात को तू ही बढ़ा रहा है ना, उनकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। फरहान नहीं चाहता था कॉलेज से रुखसत होते वक्त कोई बदमस्की हो, इसीलिए वो जैदी को समझाने लगा। इस टेबल पर उसके बाप का नाम लिखा है, जो यहाँ हम या कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। सही कह रहा है जैडी, हम चारों आज इसी टेबल पर बैठेंगे, शारिक फरहान को देखता हुआ बोला। वैसे भी शारिक को लड़ाई झगड़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, वो पढ़ाई में जैडी जितना ज़हीन नहीं था मगर जैडी की तरह ब्राउन बेल्ट था, इसीलिए जब डेविल ग्रुप से उनका झगड़ा होता वो मारपीट में जैडी का पूरा पूरा साथ देता। बात दरअसल इतनी है फरहान, मेरा रोनी से कोई ज़ाति मसला नहीं है, मगर जब कोई ज्यादती करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अगर हम आज उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उसकी देखा देखी कल कोई दूसरा भी अपने आप को डेविल ग्रुप बनाकर दूसरे स्टूडेंट्स पर बिला वजह की हुकूमत करना पसंद करेगा, जैडी फरहान को देखता हुआ बोला। वो रोनी या फिर अपने दोस्तों जितना अमीर कबीर नहीं था, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था, जो जहीन होने के साथ साथ हक बात बोलने पर पीछे नहीं हटता था। तुम लोगों को समझाना मेरा फ़र्ज था, मगर अब जब थोड़ी देर बाद हंगामा होगा तो उसमें तुम लोगों का साथ देना मेरी मजबूरी है, आखिरकार दोस्ती भी तो निभानी है ना तुम तीनों उल्लू के पट्टों से, फरहान उन तीनों को बोलता हुआ खाली टेबल पर जाने लगा। जैडी, शारिक और बंटी तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उसके पीछे टेबल पर चल दिए। ओए वो देख, डेविल ग्रुप से फिर ये जैडी पंगा लेने लगा है, लगता है आज फिर कोई तमाशा होगा,
सामने की टेबल पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट अपने दूसरे साथियों को उन चारों की तरफ मतवजा करता हुआ बोला, मेरे ख्याल में पहले ही सर इम्तियाज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उनमें से एक लड़के ने तजवीज़ दी, ए छोड़ो ना, वैसे ही पढ़ाई का इतना बर्डन है, पहले एक्शन मूवी इंजॉय कर लेते हैं, बाद में सर इम्तियाज़ को भी बुला लेंगे। दूसरे लड़के ने मशवरा दिया। जैदी और उसके दोस्तों के टेबल पर बैठने के बाद ऐसे ही दूसरे टेबल्स पर चाय मगुइयाँ होने लगीं और सब में खुलबुली मच गई जब रोनी अपने पांचों दोस्तों के साथ कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ और अपनी मखसूस टेबल पर जैदी को उसके दोस्तों के साथ बैठा देखा तो दांत पीसता हुआ उसके पास आया। रोनी के दोस्त भी उसके पीछे ही मौजूद थे। क्या सोच कर तुम इस टेबल पर बैठे हो? शायद तुम पिछली बार की सर इम्तियाज़ की वार्निंग भूल चुके हो। कोई दूसरा यह हरकत करता तो रोनी मुंह से बात करने की बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करता, मगर सामने जैदी था और उसे मालूम था कि वो कभी भी शराफत का मुजाहरा नहीं करेगा। उसकी हर बात का जवाब वदू वदू उसी के अंदाज में देगा। इसीलिए रोनी जैदी के सामने खड़ा होकर उससे बोलने लगा, इस टेबल पर तुम्हारे बाप का नाम लिखा है जो मैं या कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। सर इम्तियाज़ ने सिर्फ मुझे वार्न नहीं किया था, उन्होंने मेरे साथ साथ तुम्हें भी वार्निंग दी थी। जैदी ने कुर्सी से उठना ज़रूरी नहीं समझा था। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही रोनी को देखता हुआ बोला, बाकी कैंटीन में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स खामोशी से उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे और किसी तमाशे के इंतज़ार में थे। मेरे बाप का नाम लेने की औकात तुम्हारे बाप में भी नहीं होगी। इस टेबल को तो क्या पूरे कॉलेज को मेरा बाप खरीद सकता है, और तुम जैसों को तो मैं अपने घर में मुलाजिम की नौकरी भी ना दूँ। मालूम नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठाकर चले आते हैं ऐसे थर्ड क्लास लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में। दो मिनट के अंदर टेबल खाली करो, नहीं तो धो डालूंगा मैं तुम्हें और तुम्हारे इन चमचों को। रोनी हकारत भरी नजर से अपने सामने कुर्सी पर बैठे जैदी को देखकर बोला, जो रोज अपनी फटीचर सी सेकंड हैंड बाइक पर कॉलेज आता था। उसके आम से जेबतन किए कपड़े उसकी क्लास का खुलासा करने के लिए काफी थे। रोनी के बोलने पर रोनी के दोस्त जैदी को देखकर हंसने लगे। रोनी की बात सुनकर और उसके दोस्तों को अपने ऊपर हंसता देखकर सिर्फ एक पल के लिए जैदी का सांवला रंग खजालत से मजीद गहरा हुआ था। चांदी का चमचा मुंह में डालकर पैदा होने वाले तुम वो कुत्ते हो जो अपने बाप का नाम लेकर भोंक भोंक कर दूसरों को डराते फिरते हो। तुम्हारे नाम से अगर तुम्हारे बाप का नाम हटा दिया जाए तो तुम्हारी औकात गली के कुत्ते जितनी बराबर भी नहीं होगी। दुम हिलाते हुए यहां से चलते बनो और जाकर किसी और पर भोंको जो तुमसे डरे। इस टेबल में से कोई नहीं उठेगा। जैदी की बेइज्जती करने पर जहां रोनी का सफेद रंग शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था, वहीं फरहान बंटी और शारिक के कहकहों ने जल्दी पर तेल का काम किया था। टेबल पर मौजूद समोसों की प्लेट चटनी समेत उसने जैदी को खींच कर मारी, जिसके बदले में जैदी ने कोल्ड ड्रिंक से भरी बोतल जोर से उसके मुंह पर दे मारी। बाकी के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी टेबल और कुर्सियां खाली करके दायरे की शक्ल में खड़े हो गए, जबकि जैदी और रोनी के साथ उन दोनों के दोस्त भी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते चले गए। थोड़ी ही देर में कॉलेज की कैंटीन मैदान हश्र का समा पेश करने लगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कॉलेज में यूं बदअमनी फैलाते हुए। इंसान होकर आप लोग जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, यही सब कुछ सिखाया जाता है आपको अपने घरों में? उस वक्त रोनी और जैदी अपने दोस्तों के साथ बिगड़े हुए हुलियों में सर झुकाए डीन के ऑफिस में मौजूद थे, जो अपने लहजे में सख्ती लाए उन सबको काफ़ी हद तक शर्मिंदा कर चुके थे। आपके बारे में तो मैंने काफ़ी प्रोफेसर से सुना है, आपका शुमार लाइक तरीन स्टूडेंट्स में होता है, मगर आपको देखकर कहीं से ये एहसास नहीं होता कि आप एक जहीन स्टूडेंट हैं। डीन जैदी का फटा हुआ गिरेबान देख कर बोले, सॉरी सर, मगर हर दफ़ा पहल। जैदी ने बोलने की कोशिश की, शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। डीन जैदी के बोलने पर उसे डांटते हुए बोले तो जैदी शर्मिंदा होकर सर मजीद नीचे झुका गया। हैं क्या आप लोग 18-18-19 साल के लड़के, जरा सी शेव क्या उगाई है चेहरों पर, खुद को हीरो समझकर एक दूसरे से मुकाबला करने पर उतर आए हैं? बेशक आपके वालिद मोहतरम एक बड़ा नाम रखते हैं, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप कॉलेज में बदनजामी फैलाएंगे और असूलों कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। डीन अब रोनी को देखता हुआ बोला, तो रोनी सॉरी सर कहता हुआ अपना सूजा हुआ मुंह नीचे झुका गया।
डीन ने गुस्से भरी नज़र बाकी लड़कों पर भी डाली जो बिखरे हुए हुलिये और फटे हुए यूनिफॉर्म में कोई दूष जंगली ही लग रहे थे। वो सब शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन नीचे झुका गए। 20 दिन के बाद आप सबके पेपर स्टार्ट हैं। इससे पहले अगर मुझे कोई भी लड़ता झगड़ता कॉलेज के रूल्स तोड़ता हुआ नजर आया तो मैं उसे एग्जाम्स में बैठना अलाउ नहीं करूँगा। ना तो किसी की जहानत काम आएगी और ना ही किसी की सिफारिश। इज इट क्लियर? डीन की गरजदार आवाज़ पर कमरे में मौजूद तकरीबन सारे लड़के बा आवाज़ यस सर बोले और रूम से बाहर निकल गए। तुम कोशिश करना इन 20 दिनों में मेरा तुम्हारा सामना न हो, क्योंकि मैं तुम्हें अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही माफ़ कर सकता हूँ। रूम से बाहर निकल कर रोनी जैडी को देखता हुआ बोला, तुम सिर्फ 20 दिनों की बात कर रहे हो, कोशिश करना जिंदगी में कभी हमारा आमना सामना ना हो, क्योंकि मैं भी आला जर्फी दिखाकर माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से हूँ। जैडी की बात सुनकर रोनी जहर ख्वानदा नज़रें उस पर डालकर वहाँ से निकल गया। सुबह सवेरे वो तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी तब घर की डोरबेल बजी। दी जान की नींद ख़राब ना हो जाए इसीलिए ऐना ने जल्दी से दुपट्टा सेट किया और घर का दरवाज़ा खोला, मगर अपने सामने उस लड़के को देखकर वो हैरान और परेशान रह गई। हर दफ़ा की तरह वो हाथ में फूलों का बुके लिए खड़ा था, मगर ऐना को परेशानी इस बात से हुई कि आज वो उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैम ये आपके लिए, वो ऐना की हैरतजदा शक्ल देखता हुआ बोला और फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया। ऐना ने घबरा कर एक नज़र घर के अंदर डाली और जल्दी से उस लड़के के हाथ से बुके लिया। वह लड़का अब मुंतजर खड़ा था कि ऐना उससे कुछ पूछती, क्योंकि पिछली बार उसे लगा था वो उससे कुछ कहना चाहती है या उससे बात करना चाहती है, मगर वो जल्दी में यूनिवर्सिटी से चला गया था, इसीलिए अब की बार वो मुंतजर नज़रों से बुके थमाने के बाद ऐना को देखने लगा। मगर परेशानी और घबराहट की वजह से ऐना ने बुके उस लड़के से थाम कर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो फूलों के बुके को हाथ में पकड़े जल्दी से अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई, मेज़ पर बुके रखती हुई अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी। अब वो परेशान नज़रों से फूलों को देख रही थी। आज तीसरी बार ऐसा हुआ था जब वो लड़का उसे फूलों का बुके दे कर गया था। पहले 2 दफ़ा उसे ये बुके यूनिवर्सिटी में मिला था। पहली दफ़ा में वो कन्फ्यूज़ ये सोचती रही कि ये बुके उसे गलतफहमी में दे कर चला गया है, मगर दूसरी बार यूनिवर्सिटी टाइम में जब वो घर के लिए निकल रही थी तब दोबारा वो लड़का उसे बुके देने आया, जिसे लेने के बाद वो उससे पूछना चाहती थी कि ये फूल वो उसे क्यों देकर जा रहा है, मगर ऐना के कुछ बोलने से पहले वो लड़का कार में बैठकर जा चुका था। अब की बार ऐना ने सोचा था उस लड़के से वो फुर्सत में बात करेगी, मगर अब की बार वो उस लड़के को यूनिवर्सिटी की बजाय अपने घर के एड्रेस पर देख कर थोड़ी परेशान हो गई थी। फूल उसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। वो अभी ताज़ा गुलाब की खुशबू को अपने नथनों के ज़रिए अंदर उतारना चाहती थी, मगर हर दफ़ा की तरह एक खौफ भी उसे घेरे में लिए हुए था। वो लड़का कौन था जो पिछले 1 महीने में ये तीसरी दफ़ा उसे बुके दे चुका था, और वो क्या चाहता था उससे? ऐना फूलों के बुके को देख कर ये सारे सवालात खुद से ही सोचने लगी। वो यहाँ रेस्टोरेंट में बुरहान के बुलाने पर आया था और पिछले 20 मिनट से वो उसी का वेट कर रहा था। बुरहान से उसकी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से थी। प्रैक्टिकल लाइफ में आकर अपनी अपनी जॉब्स के बाद सभी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे और अपनी अपनी मसरूफियत के सबब उन सब का मिलना अब बहुत कम हो गया था। दरअसल बुरहान को 2 दिन बाद सिडनी जाना था और कल रात सारे दोस्त बुरहान के घर पर मौजूद थे, मगर वो कल रात बुरहान से माजरत कर चुका था। कल की ड्यूटी उसकी काफ़ी टफ थी, वो चाहकर भी बुरहान से मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल सका था, इसीलिए आज यहाँ पर रेस्टोरेंट में मौजूद था। खिलखिलाकर हंसी हंसते हुए सामने बैठी लड़की पर बेसाख्ता उसकी नज़र पड़ी। लड़की के हंसने की आवाज़ ने ही उसे मतवजा किया था, मगर उस लड़की को देखकर उसके माथे पर नागवार शिकनों का जाल उभरा। उसे कभी भी हद से ज़्यादा मॉडर्न लड़कियाँ पसंद नहीं थीं, और सामने टेबल पर बैठी हुई लड़की जिसे वो देख रहा था, कुदरत ने उसे रंग और रूप और हुस्न की दौलत से मालामाल किया था, मगर वो अपने इस हुस्न की दौलत को छुपाने से कासिर थी, जबकि उसका मानना यही था कि मोती सीप में छुपा हुआ ही मुनफरिद और ख़ास लगता है। ना सिर्फ उस लड़की की ड्रेसिंग देखने लायक थी, बल्कि वो जिस लड़के के साथ बैठी थी उसका दिल चाहा जाकर उस चुगत के मुंह पर 2-3 थप्पड़ सीध कर दे। लड़की के साथ मौजूद उस लड़के के देखने के अंदाज से ही
अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो कितनी कमीनी फितरत रखता था। जिस अंदाज में वो लड़का अपने करीब बैठी हुई उस लड़की को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी नज़रों से गलाज़त टपक रही थी। ना सिर्फ वो उस लड़की को देख रहा था बल्कि बात करने के बहाने से उसका बाजू भी छू रहा था। उस लड़के से ज़्यादा अफसोस उसे उस लड़की पर हुआ। आज के दौर की लड़कियां अपने आप को बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाने के चक्कर में मासूमियत को कहीं पीछे ही छोड़ देती हैं। वो शुक्र करने लगा कि उसकी बहन इन खुराफात से काफ़ी दूर थी। जो भी था, उसे अपने सामने बैठी ये खूबसूरत लड़की एक आँख नहीं भाई थी। इतने में बुरहान की कॉल उसके मोबाइल पर आई। बुरहान उसे बाहर बुला रहा था। सैफी, अपना हाथ अब काबू में रखना। वो उन लोगों की टेबल के पास से गुजरा तो उसे लड़की की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन वो अपने पास बैठे लड़के से मुखातिब थी। वह सर झटक कर वहाँ से चला गया। वेलकम यंग मैन, क्योंकि अब तुम हमारे खास बंदों में शामिल हो, इसीलिए हम तुम्हें अपने काम के साथ साथ अपने राजों में भी शरीक करना चाहते हैं। यहाँ मेरे साथ आओ, तुम्हारी देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। अल किंग नामवर मशहूर होटल था जहाँ वो इस वक्त मौजूद था। यहाँ आज वो ब्लैक किंग के बुलावे पर आया था। उसे ये तो इल्म हो चुका था कि ब्लैक किंग जहाँ उसे लेकर जा रहा है वो कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वहाँ ब्लैक किंग के काले कारनामों के राज पोशीदा हैं। ये उसी होटल के अंदर अंडरग्राउंड एक खुफिया जगह थी जहाँ उस वक्त काफ़ी अंधेरा था। वो ब्लैक किंग के साथ चलता हुआ माथे पर आया हुआ पसीना हाथ में मौजूद रुमाल से साफ़ करने लगा, क्योंकि वो जानता था ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं और उनके राज जानने के बाद उनसे बगावत की सूरत में या भागने की सूरत में अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। मगर वो मजबूर था, उसे ये रिस्क लेना था, अपने ज़मीर को मुर्दा करके उनके साथ शामिल होना था, वरना उसका सब ख़त्म हो जाता, क्योंकि सब कुछ तो दांव पर लगा हुआ था। सामने दीवार पर नस्ब बटन प्रेस करने के बाद एक दरवाज़ा खुला। वो ब्लैक किंग को देखने लगा जो उसी को देखता हुआ अपने हाथ से उसे आगे चलने का इशारा करने लगा। वो अपनी घबराहट छुपाए अपने फेस के एक्सप्रेशंस को काफ़ी हद तक नॉर्मल करके आगे बढ़ने लगा। उस राहदारी पर चलते हुए उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसके दाएं और बाएं तरफ लाइन से जेलें यानी कि सेल बनी हुई थी जिसमें मासूम और छोटे बच्चे कैद थे। ये बच्चे 7 से 16 साल की उम्र रखते थे। उनके मासूम चेहरों पर खौफ तारी था। उन बच्चों को देखकर उसका दिल बुरा होने लगा। ब्लैक किंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे देखने लगा। अब ब्लैक किंग उसे हाथ के इशारे से दाएं जानिब गली में जाने का इशारा कर रहा था। वो खामोशी से उसके इशारे पर दाएं जानिब मुड़ा। दिल एक बार फिर बेकाबू हुआ। ये गलत है, कोई आवाज़ उसे अपने अंदर से सुनाई दी जिसे उस वक्त नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी था। वो बाएं जानिब जेल में देखने लगा जहाँ 12 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक की लड़कियाँ कैद थीं। उन लड़कियों की आंखों में भी उन मासूम बच्चों की तरह खौफ और बेबसी नज़र आ रही थी। वहाँ से गुजरकर अब ब्लैक किंग उसे एक आलीशान कमरे में ले आया जहाँ उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया गया। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मेरा असल बिजनेस तो तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। इन बच्चों और लड़कियों को हम दूसरे मुल्क में बेचते हैं जहाँ उन्हें ख़ास तौर पर ट्रेंड किया जाता है लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए और इन छोटे लड़कों को ड्रग्स की सप्लाई के लिए। तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर तुम हमारे काम में साथ दोगे तो तुम रातों रात अपना डूबा हुआ बिजनेस बचा सकते हो, बल्कि करोड़ों का मुनाफा भी तुम्हें हासिल होगा, जबकि गद्दारी के अंजाम से तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे। ब्लैक किंग उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ उसे सारे हकाइक से आगाह कर रहा था। आप मुझ पर मुकम्मल एतबार कर सकते हैं, मुझे अपना राजदार बनाकर और अपने साथ शामिल करके यकीनन आपको भी फ़ायदा ही पहुंचेगा। उसके बोलने पर ब्लैक किंग कहकहा लगाकर हंसा। वो सही कह रहा था, ब्लैक किंग को वो एक काफ़ी होशियार लगा। ब्लैक किंग ऐसे ही तो किसी को अपने राज में शामिल नहीं करता। यकीनन वो अपने सामने बैठे उस शख्स से बहुत फ़ायदा लेने वाला था। सामने बैठे शख्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, अपने ज़ाती बहरी जहाज थे। उन बहरी जहाज के ज़रिए सामान को यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जाता था। पुलिस और नैप से अच्छी अलैक सलैक की वजह से शिप्स की चेकिंग में टाइम ज़ाया हुए बगैर शिप्स मंजिल मकसूद पर रवाना किए जाते, और यही ब्लैक किंग के फ़ायदे की बात थी।
उसके शिप्स में वो लड़कियों और बच्चों की स्मगलिंग बआसानी कर सकता था और उन्हें दूसरे मुल्क मुंतकिल कर सकता था। यंग मैन, आज से तुम हमारे लिए एक ख़ास फर्द की हैसियत इख्तियार कर गए हो और तुम्हें हमारे गैंग में शामिल होने के लिए एक छोटे से इम्तिहान से गुजरना होगा। समझो ये इम्तिहान इस गैंग में शामिल होने का एक रास्ता है। ब्लैक किंग की बात पर वो कुछ कंफ्यूज होकर ब्लैक किंग को देखने लगा, तब उसने उसे उठने का इशारा किया। अब वो उसे दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ से किसी लड़की की दर्दनाक चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। इससे पहले कि वो एक हॉल नुमा कमरे में ब्लैक किंग के साथ दाखिल होता, उसी हॉल से एक आदमी 12 साल बच्चे के वजूद को उठाए बाहर आ रहा था। मालूम नहीं वो बच्चा मर गया था या फिर बेहोश था। उसकी आंखें बंद थीं और गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी और उस बच्चे की कमीज भी जिस्म पर मौजूद नहीं थी। एक बार फिर वो अपने माथे पर आया हुआ पसीना पॉकेट से रुमाल निकाल कर साफ करने लगा। हॉल नुमा बड़े से कमरे में जहाँ लाल बत्ती जल रही थी, वहाँ पर उस किस्म की कुर्सियाँ मौजूद थीं जहाँ इंसान को बिठाकर कुर्सियों में मौजूद लॉक से इंसान के हाथ पांव लॉक किए जाते। एक तरफ बड़ी बड़ी जंजीरें भी लटक रही थीं। सामने टेबल पर बड़े साइज के हैमर, चमड़े के हंटर्स, ड्रिल मशीन्स और मुख्तलिफ किस्म के आलात और औजार रखे हुए थे। ये कमरा किसी टॉर्चर सेल का पता दे रहा था। उसे ये सब देखकर वहशत होने लगी। अभी वो मज़ीद वहशत ज़दा होता, सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में हैरानगी का मंजर उभरा। उसने अपनी नज़रें झुका ली। सामने से दो आदमी एक लड़की को उसके बाजू से पकड़कर खींचते हुए ला रहे थे, जिसके तन पर कमीज कंधों से नीचे उतरी हुई थी और वो तकलीफ़ की हालत में बुरी तरह सिसक रही थी। शायद थोड़ी देर पहले उसकी चीखों की आवाज़ आ रही थी। मालूम नहीं उसके साथ क्या सलूक हुआ था, वो सोचने लगा, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि अभी उसके साथ क्या सलूक होना है। उसने हिम्मत करके दोबारा नज़र उठाकर उस लड़की को देखा। उस लड़की की पीठ बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। वो लड़की भी उस बच्चे की तरह नीम मुर्दा हालत में थी, मगर उसकी आँखें खुली हुई थी। अब वो आदमी उस लड़की को ढांपते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर जा रहे थे। ब्लैक किंग ने दो बार ताली बजाई तो वो चौंक कर ब्लैक किंग को देखने लगा। इतने में ब्लैक किंग के दो आदमी उसके पास आए और अचानक उसको पकड़कर उसकी शर्ट उतारने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप, वो एकदम आने वाली अफ्ताद पर घबरा कर चीखता हुआ ब्लैक किंग से पूछने लगा। यंग मैन, मैं अपनी बात दोबारा दोहराने का आदी नहीं हूँ, मगर तुम्हें बता देता हूँ इस गैंग में शामिल होने वाले हर फर्द, हत्ता के यहाँ पर लाने वाली लड़कियों और बच्चों को भी कमर पर के लफ्ज का टैग लगा दिया जाता है। के का टैग समझ लो कि इस गैंग की पहचान है और ये तुम्हारा इम्तिहान भी है। थोड़ा तकलीफ दे है, मगर इस गैंग का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें इस मरहले से गुजरना पड़ेगा, ब्लैक किंग उसे बता रहा था और उसके औसान खता हो रहे थे। वो दो आदमी उसकी शर्ट उतारने के बाद उसके दोनों हाथों को मजबूती से उसकी पुश्त पर बांध रहे थे। सर एक मिनट, मेरी बात सुन ले, प्लीज़ मेरी बात सुने आप। लोहे की गर्म सुलाख लेकर जब एक आदमी उसके पास आने लगा, तब वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर ब्लैक किंग को पुकारने लगा, मगर ब्लैक किंग सोफे पर बैठा सुगार पीने में मसरूफ़ था। उसे घुटनों के बल बिठाने के बाद एक बड़े से चट्टान नुमा पत्थर पर झुकाया जा रहा था। अब वो समझ गया कि यहाँ से बचने का या फरार होने का कोई रास्ता नहीं। गरम लोहे की सुलाख जब उसकी कमर पर चिपकाई गई, तब दिल दहला देने वाली जोरदार चीख उसके मुंह से निकली, जिससे कमरे के दरो दीवार तक हिल गए। जहांगीर, ए जहांगीर, उठ जा बच्चे, नाश्ता तैयार है, दी जान जहांगीर के कमरे में आती हुई उसे बोली। जहांगीर ने चेहरे से कम्फर्टर हटाते हुए नींद से खुमार आलूद आंखों से उन्हें देखा। कितनी बार मैंने आपको मना किया है आप खुद से काम मत किया करें, मगर मजाल है जो आप मेरी बात माने, जहांगीर उठकर बैठता हुआ दी जान से खफा होने वाले अंदाज में बोला। खुद से कोई काम ना करूं तो अपनी हड्डियों का खाना ख़राब कर लूं बैठे बैठे, वैसे भी कौन सा सारा दिन घर में काम होता है, घर के सारे कामों के लिए रानी को रखा हुआ है, बस आज वो काम करने नहीं आई तो सोचा अपने बच्चे के लिए खुद नाश्ता बना लूं। दी जान जहांगीर के पास बेड पर बैठती हुई बोली तो जहांगीर ने उनके दोनों हाथ थामे। हड्डियों का खाना ख़राब नहीं किया आपने, सारी उम्र मेरे और ऐना के लिए अपनी हड्डियों को ही घिसाया है, अब आराम करने के दिन है आपके, कोई काम मत किया करें, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता।
जहांगीर दी जान के जुड़ियों ज़्यादा हाथ देखता हुआ बोला, ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम कर लिया है? पराठा ऑमलेट बनाने में कोई मेहनत लगती है भला? तुम्हें पसंद है ना अपनी दी जान के हाथ का बना नाश्ता? दी जान अपने जवान पोते को देखती हुई बोली। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, वैसे ही ऊंचा लंबा कद, मजबूत तवाना जिस्म का मालिक, गंदमी रंगत और उसी तरह दी जान पर प्यार लुटाने वाला। वो अब तक उसको और ऐना को देखकर ही तो जीती आई थी, यही उनके पास उनके बेटे की आखिरी निशानियां थी। दुनिया में और कोई ऐसा पैदा हो ही नहीं सकता जिसके हाथ में आपके जैसा जायका हो। यहीं बैठे मैं खुद ला रहा हूँ नाश्ता, जहांगीर बोलता हुआ बेड से उठा और किचन में चला गया। वैसे मैंने देखा है ये रानी हफ्ते में 2-3 छुट्टियां तो ज़रूर करती है। इसी महीने उसका हिसाब करते हैं, मैं कोई दूसरी मुलाजमा अरेंज करूँगा। जहांगीर किचन से अपना नाश्ता लाता हुआ दी जान से बोला। अब उसे पक्का यकीन था वो जितना भी दी जान को मना करेगा वो उसके जाने के बाद घर की झाड़ पूछ शुरू कर देंगे। अरे आदमी बीमार है उस बेचारी का, ऐसे ही नहीं मजबूरी में छुट्टी करती है, कोई दूसरी मुलाजमा आएगी तो वो भी ऐसे ही नखरे दिखाएगी। बस अब तुम मेरी मानो तो जल्दी जल्दी से इस घर में अपनी बेगम ले आओ, घर की असल देखभाल मुलाजमा नहीं घर की औरत करती है। दी जान के मशवरे पर जहांगीर ने नवाला चबाते हुए उन्हें घूरा। बात कहाँ से कहाँ लेकर चली गई आप दी जान, बेगम कोई दुकान पर मिलती है जो कहीं से भी उठा कर ले आऊँ? बस ये ऐना अपने पेपर से फारिग हो जाए तो देख लेगी वो घर को भी, पेपर्स के दौरान तो वो सब काम ही फरामोश कर देती है। जहांगीर चाय की सिप लेता हुआ दी जान से बोला, वो क्यों देखेगी इस घर को? अब उसकी उम्र हो गई है अपने घर को देखने की, जल्दी से कोई नेक और शरीफ लड़का उसके लिए भी देख लो। अब ये मत बोलना कि हमारी ऐना अभी 25 है, पूरे 22 साल की होने वाली है अगले माह। मेरी शादी तो 16 साल की उम्र में हो गई थी। अब दी जान का शादी वाला पसंदीदा टॉपिक शुरू हो चुका था और जहांगीर को अंदाजा था अगर उसने इस वक्त दी जान की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो लाजमी लेट हो जाएगा। अली बतूल बेगम का इकलौता बेटा था जो कि बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। बतूल बेगम ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी की। मलिहा उनके लिए अच्छी बहू साबित हुई जिसने अपनी सास को माँ का दर्जा दिया। अली की गवर्नमेंट जॉब थी, 3 कमरों का ज़ाती मकान था, शहाना अंदाज में ना सही मगर ज़िंदगी आसानी से बसर हो रही थी। तब उनकी ज़िंदगी में जहांगीर आया जिसके आने से उनके घर में रौनक हो गई। जहांगीर घर भर का लाडला था और बतूल बेगम में तो उसकी जान बसती थी। अली और मलिहा ने उसके लिए बहुत से ख्वाब देखे थे, उन दोनों की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने के साथ अच्छा इंसान भी ज़रूर बने। जहांगीर बचपन से ही ज़हीन था, अली ने उसका अच्छे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया। जब वो 6 साल का हुआ तब ऐना की पैदाइश हुई। नन्ही मुन्नी सी ऐना किसी परी की मानन थी, उसका रंग और रूप घर में सबसे ही अलग था। हर बड़े भाई की तरह जहांगीर को भी अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी, ज़िंदगी की बहुत सी सहूलियात मैसर ना होने के बावजूद खुदा का शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मगर अचानक उनकी ज़िंदगी में अलमनाक हादसा पेश आया। अली और मलिहा दोनों बच्चों को बतूल बेगम के पास छोड़कर अपने दोस्त की तरफ जा रहे थे, मगर रास्ते में किसी ट्रक से उनकी बाइक टकराने के सबब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। बतूल बेगम पर यह खबर बिजली की तरह गिरी थी। बुढ़ापे की दहलीज पर जवान बेटे और बहू की लाशों को कफन में लिपटा देखना कोई आसान बात नहीं थी। शायद इस सदमे के ज़ेर असर वो भी ज़िंदा न रहती अगर जहांगीर और ऐना मौजूद न होते। जहांगीर उस वक्त मैट्रिक में था जब ये अलमनाक हादसा उसकी ज़िंदगी में पेश आया था। वो उस वक्त अपने पैरों पर खड़ा ना था, ना ही ज़्यादा बड़ा था, मगर अब उसे अंदाज़ा हो गया था आगे हालात से मुकाबला करने के लिए उसे अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना होगा। अपनी दी जान और छोटी बहन के लिए वही उन दोनों का सहारा था। अली और मलिहा के इंतकाल के बाद बाकी उन तीनों के लिए कठिन वक्त का आगाज़ हुआ था, मगर बतूल बेगम ने उस वक्त बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया। अली की आने वाली पेंशन जिससे वो जैसे तैसे गुजारा कर लेती, मगर दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने घर में सिलाई शुरू कर दी, जिस पर शुरू में जहांगीर उनसे काफ़ी नाराज़ हुआ, मगर उसे खुद भी अंदाज़ा था उसके बगैर उन लोगों का गुजारा नामुमकिन है। इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई के साथ छोटी मोटी ट्यूशन्स देना शुरू कर दी ताकि अपना खर्चा वो खुद उठा सके।
जहांगीर के लाख खफा होने के बावजूद बतूल बेगम अपना सारा जेवर बेचकर उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, क्योंकि यह खुद उनके बेटे का भी ख्वाब था। पढ़ाई के साथ साथ जहांगीर ने पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब्स का सिलसिला जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी जिम्मेदारी खुद पर संभाली। जहांगीर की सचमुच खफा होने पर बतूल बेगम को सिलाई छोड़ना पड़ा। अली का ख्वाब पूरा करता हुआ उसने खुद मेहनत से पढ़ाई की और अच्छा पढ़ लिख कर उसने जिस महकमे का इंतखाब किया वो ज़्यादा ईमानदारी नहीं, वहाँ ज़्यादा ईमानदारी नहीं पाई जाती थी, मगर वो एक ईमानदार अफसर बनेगा, ये उसने खुद से अहद किया था। CSS का इम्तिहान कामयाब करने के बाद वो ASP की पोस्ट पर फाइज हुआ और चंद महीनों के बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रमोशन मिलने की सूरत 18 ग्रेड में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के अहदे पर फाइज हुआ। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। उसे गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी बंगला अलॉट किया गया था, मगर उसने पोश एरिया में अपना ज़ाती बंगला बनवाया था जो बहुत ज़्यादा आलीशान नहीं था, मगर उसके पिछले मकान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऐना को भी वो आगे पढ़ा रहा था। वो BS की स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी में उसका दूसरा साल था। अब हालात उनके पहले जैसे नहीं थे, मगर ये सब कुछ जहांगीर ने अपनी स्ट्रगल से हासिल किया था। वो इससे भी ज़्यादा हासिल कर सकता था, मगर वो अपनी जॉब से ईमानदार था। वो पिछले आधे घंटे से कानों में हैंट्री लगाकर ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ थी। अपने वेट को लेकर वो पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। जहां उसे ज़रा सा वेट बढ़ता हुआ महसूस होता तो उसका सारा फोकस अपनी एक्सरसाइज और डाइट पर चला जाता। पैदाइश के वक्त से ही वो एक सेहतमंद गोल मटोल और खूबसूरत बच्ची थी। बचपन में तो गोल मटोल सा सरापा क्यूट ही लगता था। ऊपर से घर में हर तरह की आसाइशात और दुनिया की नेमतें मौजूद होने की वजह से उसने कभी अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे जैसे बलोगत के मराहिल तय हुए तो अपनी दोस्तों और दुबली पतली लड़कियों को देखकर उसको भी एहसास हुआ कि उसे नॉर्मल वेट ही रखना चाहिए। कुछ वो बचपन से ही ज़िद्दी थी, कुछ माँ बाप और भाई के प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अच्छा खासा बिगाड़ा था। तबीयत में ज़िद और हठधर्मी के बाइस अपनी बात पर डटे रहने की वजह से वो अपने आप को नॉर्मल वेट में लाने की बजाय काफ़ी हद तक स्मार्ट फिगर की मालिक बना चुकी थी। मगर कल यूनिवर्सिटी की एक लड़की की बात पर, आगोल तुम्हारा वेट दोबारा बढ़ रहा है, वो एक दफ़ा फिर अपने वेट और डाइट को लेकर मोहतात हो चुकी थी। जाहिदा लेमन जूस का ग्लास उसके रूम में लेकर आई तो आगोल ने कानों से हैंट्री निकाला, अपने छोटे से टॉवल से चेहरे और गर्दन पर आया हुआ पसीना साफ करती हुई वो सोफे पर आकर रिलैक्स बैठी। जाहिदा अब मामूल की तरह उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। आगोल ने ग्लास उठाकर मुंह से लगाया। उफ, तुमने इसमें शुगर डाली है स्टूपिड, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा। आगोल ने एक सिप लेने के बाद जाहिदा को नागवारी से घूरते हुए देखकर कहा, मैम जूस तो आप डेली ज़रा सा मीठा के साथ लेती हैं। जाहिदा शर्मिंदगी से आगोल को देखती हुई बोली, एक्सरसाइज करने के बाद कौन मिठास अपने अंदर उंडेलता है बेवकूफ़। आगोल उसे आँखें दिखाती हुई अपने जॉगर्स उतारने लगी। आप नाराज ना हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था आपने एक्सरसाइज दोबारा शुरू कर दी है, मैं आपके लिए दोबारा जूस बना देती हूँ। जाहिदा अपनी छोटी मैम का मूड ख़राब देखकर गोया हुई। अंदाज़ा नहीं तो पहले आकर पूछना चाहिए ना, अब मस्कीनों की तरह मेरी शक्ल मत देखो, जल्दी से कपड़े आयरन करो, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ मैं। आगोल उसको मोरीदे इल्ज़ाम ठहराती हुई बिगड़े हुए जावियों के साथ देखकर बोली। अब वो ऊंची बंधी हुई पोनी टेल खोलकर अपना बाथ गाउन लेकर शावर लेने जाने लगी, जबकि जाहिदा जल्दी जल्दी उसके कपड़े आयरन करने लगी। तुम अभी तक मेरे रूम में हो, जाहिदा गुम करो अपनी शक्ल जल्दी। शावर लेने के बाद जब वो बाथ गाउन में वापस रूम में आई तो जाहिदा को अपने कमरे में मौजूद देखकर चिढ़ती हुई बोली, जी ये दोबारा आपके लिए जूस बना दिया है। जाहिदा मिनमिनाती हुई बोली और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि आगोल सर झटक कर अपने कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। आज यूनी के लिए वो लेट हो गई थी। कैप्री के ऊपर स्लीवलेस टॉप पहनकर जल्दी से बालों में हेयर ब्रश फेरने लगी। जैकेट पहनने के बाद जूस पीकर वो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना अपना हैंड बैग, ग्लासेस और मोबाइल हाथ में थामे रूम से बाहर निकल गई। कार की चाबी दो, आगोल पोर्श में पहुंची जहां ड्राइवर उसका मुंतज़िर था। वो ड्राइवर को देखती हुई बोली, पर मैम सर मंसूर ने सख्ती से तलकीन की है कि
आगोल की फरमाइश सुनकर ड्राइवर मोतबाना अंदाज में बोलने ही लगा, चाबी दो। वह उसकी बात काटते हुए दोबारा गुस्से में आंखें दिखाते हुए ड्राइवर को बोली, 2 माह पहले ही उसे ड्राइविंग का शौक चढ़ा था, जिसकी क्लासेस लेकर उसने ड्राइविंग सीखी थी। अभी उसे ड्राइविंग में ख़ास महारत हासिल नहीं हुई थी, इसीलिए मंसूर मलिक ने ख़ास तौर पर उसे अकेले कार ड्राइव करने से मना किया था, मगर घर का हर मुलाजिम फातिमा और आगोल के गुस्से से डरता था, इसीलिए कोई भी उनके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ड्राइवर ने खामोशी से चाबी आगोल के हाथ में थमाई और आगोल के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। मूव। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आगोल ने ड्राइवर को पीछे हटने के लिए कहा और कार स्टार्ट करके गेट से बाहर निकल गई। आज एना का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो वो किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जहांगीर उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आ गया। एना को यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद यूनी में प्रोफेसर ज़िया से उसे ज़रूरी काम था, इसीलिए कार पार्किंग एरिया में खड़ी करके वो उनसे मिलने चला गया। जब वो वापस आ रहा था तब एक कार उसे दूर से आती दिखाई दी जो कि उसकी कार से टकराई। ओ गॉड, किस बेहुदा इंसान ने अपनी खटारा यहाँ खड़ी कर दी है। आगोल जो कि पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क कर रही थी, बराबर में खड़ी कार से उसकी कार की बॉडी टच हुई तो अपनी कार का शीशा नीचे करती हुई खिड़की से झांक कर बोली। उसकी आवाज़ इतनी भी आहिस्ता नहीं थी जो जहांगीर सुन ना पाता। वो जो भी कोई लड़की थी, एक तो उसकी कार पर अच्छा खासा बड़ा डेंट मार चुकी थी, ऊपर से उसको बेहुदा और उसकी कार को खटारा भी बोल रही थी। क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार चला रही हैं या फिर बिल्कुल ही अंधी हैं जो आपको इतनी बड़ी कार नज़र नहीं आ रही। जहांगीर आगोल का फिक्रा सुनने के बाद लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी कार के पास आया और गुस्से में बोला, ओ हेलो, ज़रा तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। कार तुमने गलत पार्क की है और बकवास तुम मुझसे कर रहे हो। आगोल कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर बोली जो उसे अंधी कहकर मुखातिब करने की गुस्ताखी कर चुका था। तमीज़ की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है मोहतरमा, ना तुम्हें ड्राइविंग की तमीज़ है, ना ही बात करने की तमीज़ है, और ना ही ड्रेसिंग की तमीज़ है, और ना ही तुम्हारी शक्ल तमीज़ वाली है। जहांगीर उसे देखते ही पहचान गया था, ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की थी जिसे उसने एक हफ्ते पहले उस नमूने के साथ देखा था। वो एक मगरूर और बदमजाज लड़की थी जो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए जहांगीर भी इज्जत और शराफत बलाए ताक रखता हुआ आप से तुम पर आकर बोला। वो अभी भी नागवार नज़रें उसके ड्रेसिंग पर डालकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। हाउ डेयर यू, तुम हो कौन आखिर मेरी शक्ल और मेरी ड्रेसिंग पर रिमार्क्स देने वाले। आज जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखना। आगोल ने हक्का बक्का मुंह खोलकर पहले अपनी ही ज़ात पर उस बदतमीज़ इंसान का तबसरा सुना, फिर उसके सामने आती हुई हिसाब पे बाग करती हुई बोली, आखिर क्या चीज़ था वो, सिर्फ कद काठ ही तो अच्छा था। रंग बेशक सिया ना हो मगर साफ रंग में सांभलाहट तो घुलती हुई साफ महसूस हो रही थी ना, और आगोल के नज़दीक तो खूबसूरती की अलामत सिर्फ गोरा रंग था। अगर उस शख्स की जगह किसी और शख्स से उसकी कार टकराती तो लाजमी वो दूसरा शख्स आगोल की शख्सियत से मरगूब होकर इतनी बदतमीज़ी हरगिज ना करता जितना उसके सामने खड़ा ये बदतमीज़ इंसान कर चुका था। मैं रोज़ अपनी शक्ल आईने में देखता हूँ और खुदा का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मुकम्मल इंसान बनाया। ना सिर्फ इंसान बनाया बल्कि ऐसा इंसान बनाया जो सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाए, बल्कि उन्हें उनकी औकात भी याद दिलाए। जहांगीर अपने सामने खड़ी उस मुँह ज़ोर और मगरूर लड़की को देखता हुआ बोला और नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसकी कार के शीशे पर दे मारा। आगोल एक बार दोबारा हैरत से मुँह खोले अपनी 0 मीटर कार का शीशा देख रही थी जिसके शीशे पर अच्छी खासी बड़ी दरार पड़ चुकी थी। तुम्हारी इस कार की बजाय मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा भी बिगाड़ सकता था और उसके लिए मुझे इस पत्थर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आइंदा किसी के सामने बक बक करने से पहले ये देख लेना कि सामने वाला कितने पानी में है। जहांगीर उसके खुले हुए मुंह को देखकर बोला और अपनी कार की तरफ बढ़कर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। तुम मेरे बाप और भाई को जानते नहीं हो। आगोल उसको जाता हुआ देख कर तिनक कर बोली, तुम्हारा बाप और भाई मुझे नहीं जानते। जिस दिन वो मुझे जान जाएंगे उस दिन उनका भी मुंह हैरत से ऐसे ही खुला रह जाएगा। जहांगीर उसको बोलता हुआ कार स्टार्ट कर चुका था और वहाँ से चला गया। हेलो स्वीटी, कौन था ये शख्स जिससे तुम बात कर रही थी। सैफी आगोल के पास आकर उससे पूछने लगा। सैफी प्लीज़, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, चले जाओ यहाँ से।
आगोल को उस वक्त सैफी की शक्ल भी बुरी लगी, जब ही वो खराब मूड के साथ बोली, मूड किस बात पर खराब है यार तुम्हारा? यहाँ मेरी तरफ देखो, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। सैफी आगोल का हाथ पकड़ता हुआ बोला, जिसे आगोल ने जोर से झटका, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बगैर टच किए बात किया करो इडियट। आगोल गुस्से में सैफी को देखती हुई बोली और उसे छोड़कर वहाँ से चली गई, जबकि वो अपनी इज्जत अफजाई पर पेचो ताप खाकर रह गया। सैफी उसका यूनिवर्सिटी फेलो था और उसका दावा था कि वो आगोल से मोहब्बत करता है, जिसका इजहार वो वक्फे वक्फे से करके आगोल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था। आगोल की नज़र में सैफी की मोहब्बत कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखती थी। उसे मालूम था कि वो खूबसूरत है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा उसके सर्कल में मौजूद लड़कों ने भी उसको इसी तरह उनकी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, इसीलिए दूसरे लड़कों की तरह वो सैफी को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। अलबत्ता दूसरे लड़कों को ज़्यादा फ्रैंक नहीं होने देती थी, मगर सैफी से उसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी फेलो की वजह से हो गई थी। वो अक्सर सैफी के साथ बाहर होटलिंग वगैरह भी करती हुई या फिर घूमती फिरती हुई नज़र आती थी। एक्सक्यूज़ मी मैम, सारी क्लास ख़त्म हो चुकी थी। एना यूनिवर्सिटी के पॉइंट के इंतज़ार में खड़ी थी, जब उसे अपनी पुश्त से आवाज़ सुनाई दी। एना ने मुड़ कर देखा, वही लड़का हाथों में फ्लावर बुके लिए खड़ा था। उन फूलों को देने का क्या मकसद है आपका? आखिर क्यों आप ये मुझे हफ्ते बाद लाकर दे जाते हैं? उस लड़के ने एना की तरफ फूल बढ़ाए तो एना बगैर हाथ बढ़ाए उसे देखती हुई पूछने लगी, आपको गलतफहमी हुई है, फ्लावर्स मैं आपको नहीं देता बल्कि सर रोहान भिजवाते हैं। वो लड़का एना को देखता हुआ बताने लगा तो एना हैरत से उसे देखने लगी, अब भला ये रोहान कौन था, उसे क्या मालूम, और आपके सर रोहान ये फ्लावर्स मुझे क्यों भिजवाते हैं? एना कंफ्यूज होती हुई उस लड़के से पूछने लगी, जी उसका तो मुझे इल्म नहीं है, ये तो वही बेहतर जानते होंगे कि ये फ्लावर वो आपको क्यों भिजवाते हैं, मैं तो उनका ड्राइवर हूँ, उनके कहने पर आपको ये बुके दे जाता हूँ। उस लड़के ने बोलते हुए एक दफ़ा फिर एना की तरफ वो फ्लावर का बुके बढ़ाया, क्या वो खुद इस काबिल नहीं है जो ये बुके आपके हाथ भेज देते हैं? उनसे कह दीजिएगा मुझे उनके दिए गए फ्लावर्स नहीं चाहिए और आइंदा मुझे फ्लावर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। एना अब की बार थोड़ा सख्त लहजे में कहती हुई पॉइंट के अंदर बैठ गई। न जाने कौन था ये रोहान और क्या चाहता था, अगर भाई को ज़रा सा भी शक हो जाए तो न जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा ही हुआ जो आज मुँह पर ही मना कर दिया। एना पॉइंट में बैठती हुई दिल ही दिल में अपने आप को मुखातिब करती हुई बोली, ज़रूरी है इकराम भाई की शादी में जाना? कितनी ठंड है आज और सुबह आपको ज़ुकाम भी हो रहा था, छोड़ देना, कैंसिल करें वहाँ जाने का प्रोग्राम। एना दी जान के कमरे में आकर उन्हें ऑफ वाइट कलर के चिकन के सूट में तैयार देखती हुई बोली, अरे क्यों कैंसिल करूँ प्रोग्राम? कितनी मोहब्बत से इकराम की अम्मा बुला कर गई थी, आखिर को पुराने मोहल्ले में हमारे साथ रहे हैं, इतने सालों का साथ है हमारा। जब से जहांगीर ने यहाँ पर बंगला लिया है कोई आस पड़ोस मिलता ही नहीं है, और ये भी खूब कही तुमने, अगर सर्दी हो या तबीयत खराब हो तो कौन सा दुनिया के काम रुक जाते हैं, असूलन तो तुम्हें भी चलना चाहिए मेरे और जहांगीर के साथ। दी जान एना को देखते हुए बोली, 3 दिन पहले ही उनके पुराने मोहल्ले से शादी का इन्विटेशन आया था, जिसमें दी जान जाने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। जहांगीर उन दिनों काफ़ी मसरूफ़ था, मगर दी जान की खुशी और तैयारी देखकर उसने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला था। दी जान मैं कैसे जा सकती हूँ भला, सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं मेरे, पेपर्स की तैयारी करनी है मुझे। एना दी जान के लिए कश्मीरी शॉल निकाल कर उन्हें थमाती हुई अपनी मजबूरी बताने लगी, बच्चे ये तो तुम्हारा बचपन का रोना है, तुम पढ़ाई की जान छोड़ो तो पेपर्स तुम्हारी जान छोड़ें, कहीं आओगी जाओगी तो ही लोगों को मालूम होगा कि दी जान की इतनी खूबसूरत सी पोती भी है। दी जान की बात सुनकर एना को हंसी आई, क्योंकि अब दी जान का फेवरेट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था। ये गलत है दी जान, आपने भाई को तो खूब पढ़ाया लिखाया है, मेरी बारी में आपको फ़ौरन मेरी शादी याद आ जाती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली जब तक भाई मेरे लिए एक अदद प्यारी सी भाभी नहीं ले आते। एना दी जान को देखती हुई बोली, वैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, ये तोपों का रुख मेरी तरफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल बंदा ही अपनी लाइफ में खुश और मुतमईन हूँ। जहांगीर जो कि दी जान के कमरे में दाखिल हो रहा था, एना की बात सुनकर फ़ौरन उसको देखता हुआ बोला, तुम दोनों बहन भाई तो बिल्कुल ही दीवाने हो गए हो जो ऐसी बात कर रहे हो, कान खोल कर सुन लो, इसी साल तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, बल्कि जहांगीर के लिए तो आज की तकरीब में कोई लड़की नज़र आ जाए कल ही रिश्ता लेकर जाऊंगी। दी जान उन दोनों की तरफ देखकर धमकाती हुई बोली और अपना प्लान बताने लगी,
जिस पर जहांगीर दी जान को हैरत से देखने लगा, जबकि ऐना जहांगीर की हैरत ज़दा शक्ल देखकर मुस्कुराने लगी। तो इकराम की शादी में आपके जाने की असल वजह ये थी दी जान, यानी हद ही हो गई। जहांगीर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता हुआ दी जान को देखकर बोला, अरे हद किस बात की हो गई है, कोई अनोखा काम है शादी, सभी करते हैं, देखना तुम्हारे लिए ऐसी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दी जान अपने प्यारे से पोते को देखती हुई बोली, जो आज के तेज दौर में भी दूसरे लड़कों की तरह हर लड़की के पीछे भागने वाला नहीं था। आजकल खूबसूरत लड़कियों की डिमांड और दिमाग बहुत ऊंचे हैं दी जान, जहांगीर दी जान से बोला। साथ ही उसे वही बदतमीज़ और मगरूर लड़की याद आई जो उसे आईने में शक्ल देखने का मशवरा दे रही थी। ये नहीं था कि जहांगीर को किसी किस्म का एहसास कमतरी था, मगर उससे पहले कभी किसी लड़की ने उससे इस तरह बदतमीजी नहीं की थी। अगर दोबारा कभी उस लड़की से जहांगीर का सामना होता तो जहांगीर ने उसे मज़ा ज़रूर चखाना था, यह उसने सोच रखा था, क्योंकि अपने नापसंदीदा लोगों को ना वो भूलता था ना छोड़ता था। तो ऐना का भाई कौन सा कम है, लड़कियाँ सारे जहाँ में ढूंढती फिरेंगी तो उन्हें मेरे भाई जितना हैंडसम कोई दूसरा ना मिलेगा। ऐना जहांगीर के सामने आकर तफक्कुर से बोली, जिस पर जहांगीर मुस्कुराने लगा, बेफिक्र हो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए बहुत हैंडसम सा लड़का ढूंढेगा। जहांगीर ऐना के सर पर हल्की सी चपत लगाता हुआ बोला। तो ऐना झीप गई, ओहो भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप भी, वो अपनी झीप मिटाती हुई बोली। तो जहांगीर मुस्कुराने लगा, चलें दी जान वापसी जल्दी करनी होगी, ऐना दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर लेना, जहांगीर उन दोनों को बोलता हुआ कमरे से निकल गया। वो बड़े इनामाक से नोट्स में सर दिए पढ़ाई में मसरूफ थी, तब डोर बेल बजी। उसने घड़ी में टाइम देखा, 11:30 बज रहे थे। ऐना ने पास रखी हुई गर्म शॉल उठाकर खुद को लपेटा और दी जान की आमद के ख्याल से दरवाज़ा खोलने चली गई। जब लाउंज में पहुंची तो अचानक लाइट चली गई। सामने ही डाइनिंग टेबल से कैंडल उठाकर उसे जलाती हुई दरवाजे तक पहुँची, ताकि दी जान के लिए दरवाज़ा खोलने के बाद जनरेटर ऑन कर सके। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोला तो हवा का सर झोंका उसके जिस्म से टकराया, जिससे बेसाख्ता ऐना ने झुरझुरी ली। हवा के ज़ोर से मोमबत्ती बुझ चुकी थी, जिसकी वजह से ऐना आने वाले को नहीं देख सकी। कौन, वो अंधेरे में अपने सामने खड़े शख्स को पहचान नहीं पाई थी, इसीलिए आने वाले से पूछने लगी। रोहान, आने वाले ने अपना नाम बताने के साथ ही लाइटर जलाया। आग का शोला निकलने के साथ ही सामने खड़े शख्स का चेहरा उसे नज़र आया। नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंकी थी और अब रोहान को अपने सामने देखकर वो बेयकीनी से 2 कदम पीछे हटी। रोहान घर के अंदर दाखिल हुआ और बाहर का दरवाज़ा बंद किया। अब वो लाइटर की मदद से ऐना के हाथ में मौजूद कैंडल जला रहा था। ऐना हाथ में कैंडल लिए सांस रोके अपने सामने खड़े शख्स को कैंडल की रोशनी में देखने लगी, जो कि खुद भी ऐना का चेहरा बहुत फुर्सत से देखने में मसरूफ़ था। ये वही रोहान था जो उसे फूल भेजता था। जहांगीर दी जान को लेकर हॉल में पहुंचा। 1/2 घंटा गुजरने के बाद वहां रौनमा होने वाले वाकये से लोगों में अजीब हलचल मच गई। सब कह रहे थे, क्या हुआ है बाहर? जहांगीर लोगों की बातें सुनकर बाहर जाने का इरादा कर रहा था। रास्ते में इकराम का छोटा भाई नज़र आया, जो उस वक्त बाहर से आ रहा था। जहांगीर उससे पूछने लगा, जहांगीर भाई, 10 मिनट पहले बड़ी सी गाड़ी यहाँ सड़क से गुजरी थी, गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स कोई बड़ा सा सूट केस फेंक कर गया है, या मालूम नहीं शायद उससे गलती से गिर गया हो। अब लोग उस सूट केस को देखकर परेशान हैं, न जाने उसमें क्या है। इकराम का भाई जहांगीर को देखकर तफसील से बताने लगा। जहांगीर वहां पहुंचा तो लोगों का रश लगा हुआ था और सड़क के बीचों बीच एक ब्लैक कलर का बड़ा सा सूट केस पड़ा हुआ था। लोग सूट केस के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि अंदर कहीं कोई फटने वाला मवाद ना हो। सब पीछे हटो, खाली करो जगह को, जहांगीर ज़ोरदार आवाज़ में बोलता हुआ अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर इंस्पेक्टर शकील को कॉल मिलाने लगा। अब वो बैग के करीब जाकर उसका चारों तरफ से जायज़ा लेने लगा। उसने बैग की जिप के पास गीली सतह को उंगली से छुआ और नाक के पास ले जाकर स्मेल करने लगा। अंदर कोई जहरीला फटने वाला मवाद नहीं था, ये खून की स्मेल थी। बहुत मुमकिन था कि अंदर कोई दिल दहला देने वाली चीज़ मौजूद हो, मगर इस महकमे में आकर दिल खुद ब खुद सख्त और मजबूत हो जाया करते हैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, खाली करो रोड, जहांगीर फिर बुलंद आवाज़ में चीखा, क्योंकि उसके बैग के करीब आने से लोग भी हिम्मत करते हुए करीब आ रहे थे।
साथ ही पुलिस की वैन भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जिसमें से पुलिस निकलकर लोगों को पीछे हटाने लगी। इंस्पेक्टर शकील जहांगीर के पास पहुंचा और ख़ुद भी बैग का मुआयना करता हुआ रबड़ के ग्लव्स पॉकेट से निकालने लगा। ग्लव्स मुझे दो, जहांगीर के बोलने पर इंस्पेक्टर शकील ने ग्लव्स उसकी तरफ बढ़ाए। वो ग्लव्स हाथ में पहनकर सूटकेस के पास बैठा और जिप खोलने लगा। जिप खोलने के बाद जैसे ही सूटकेस खुला तो अंदर से आती बदबू की वजह से उन दोनों को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा, मगर अंदर मौजूद लड़की की लाश देखकर उन दोनों की नज़रें भी झुक गईं। इससे पहले मीडिया की टीम आए और रश पड़े, बॉडी को अच्छी तरह कवर करो, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतज़ाम करो। जहांगीर की हदायत पर शकील यस सर कहता हुआ उठा। जहांगीर ने एक नज़र दोबारा उस लड़की की लाश पर डाली, जिसे मालूम नहीं बुरी तरह ज्यादती का निशाना बनाकर मारा गया था या फिर किसी दुश्मनी के तौर पर उसे मारने से पहले अजियत दी गई थी। उसके जगह जगह से फटे हुए कपड़े और जिस्म पर मौजूद रस्सी और तारों से बांधने के निशान मौजूद थे। उसके जिस्म को जगह जगह से जलाया और काटा गया था। उसके जिस्म पर मौजूद निशान लड़की के साथ होने वाले जुल्म व सितम की दर्दनाक कहानी अपने मुंह से बयान कर रहे थे, मगर जिस चीज़ पर जहांगीर दोबारा उस लड़की की लाश को देखने पर मजबूर हुआ था वो उस लड़की की कमर पर मौजूद टैटू का निशान था, जो के की सूरत उसकी कमर पर चश्मा था। एक माह पहले होने वाले यूनिवर्सिटी के फंक्शन में बतौर गेस्ट मंसूर मलिक को बुलाया गया था, मगर मसरूफियत के बाइस मंसूर मलिक के बजाय यूनि में रोहान मंसूर ने शिरकत की थी। उसी फंक्शन में ऐना ने स्टेज पर स्पीच भी की थी। ऐना को याद आया ये वही रोहान मंसूर था, तो क्या ये उसे बुके भेजता था? ऐना का दिमाग उसकी तरफ क्यों नहीं गया? वो कैंडल हाथ में लिए रोहान को देखती हुई सोचने लगी, यहाँ क्यों आए हैं आप? ऐना उसको देखकर पूछने लगी। उसे अपने सामने देखकर ऐना को अजीब घबराहट हो रही थी। कल आपने फ्लावर्स लेने से इनकार कर दिया तो सोचा आज खुद आपके सामने आकर आपसे वजह पूछ लूं, और अच्छा है आप मुझे देख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि मैं फ्लावर देने के काबिल हूं भी कि नहीं। रोहान कैंडल की रोशनी में उसका चेहरा देखता हुआ बोला, जिस चेहरे को एक दफ़ा देखने के बाद हर रोज़ वो उसे ख्यालों में सोचता रहता, आज वो उस चेहरे को पहली बार बेहद करीब से देख रहा था। आप फ्लावर क्यों भेजते हैं मुझे? ऐना डरती हुई उससे पूछने लगी। वो जानती थी इस काबिल वाली बात वो तंजिया कह रहा है। उसके ड्राइवर ने उसे ऐना की हुई बातें बताई होंगी, मगर सच तो ये था कि सामने खड़ा हुआ वो हैंडसम सा बंदा हर लिहाज से काबिल था। ऐना चोर नज़रों से उसे देखने लगी और फिर अपनी नज़रें झुका गई। अच्छी लगी थी आप मुझे, तो सोचा रूबरू ये बात बताने से पहले फूलों का सहारा ले लिया जाए। सुना है फूल भी हाल दिल बयान कर देते हैं, तो सोचा शायद आप भी मेरे दिल की बात फूलों के ज़रिए समझ जाएं। रोहान दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नज़र टिकाए बोल रहा था, जबकि ऐना उसे हैरत से देखने लगी। कोई भला पहली मुलाकात में यूं लड़की से अपना हाल दिल बयान करता है? मेरे अलावा और कितनी लड़कियों को इस तरह बुके भिजवा कर हाल दिल बयान कर चुके हैं आप? ऐना को अपने ऊपर उसकी जमी हुई नज़र साफ महसूस हो रही थी। इतना अमीर और हैंडसम, यकीनन वो उससे फ्लर्ट कर रहा होगा। जब ही ऐना रोहान को देखती हुई संजीदगी से पूछने लगी, मगर ऐना की बात सुनकर रोहान ने जानदार कहकहा लगाया, इत्मीनान रखिए आप खातून अव्वल हैं मिस ऐना, जिसे देखकर मेरे दिल में आपको फूल भेजने की ख्वाहिश जागी। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ काफ़ी बिजी है। इन खुराफात में पढ़ कर मैं वक्त ज़ाया करने वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि हर बात को सीधे और आसान लफ्ज़ों में बयान करना मेरी आदत है। आप मुझे अच्छी लगी तो मेरा दिल चाहा आपको अपने दिल की बात से आगाह करूं। अगर मैं भी आपको अच्छा लगा तो आप मुझसे मोबाइल पर बात कर सकती हैं, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। रोहान के बोलते ही अचानक लाइट आ गई और कमरा एकदम रोशन हुआ। रोहान ने फूंक मारकर कैंडल बुझाई और ऐना के हाथ से लेकर उसे साइड पर रखा। अब वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर ऐना की तरफ बढ़ाने लगा। और अगर मैं आपको कॉल ना करूं तो? ऐना ने एक नज़र उसके बड़े हुए हाथ पर डाली, फिर उसको देखती हुई पूछने लगी। ऐना की बात सुनकर रोहान के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट रेंगी, तो फिर मैं दोबारा आपसे मिलने आपके घर पर आऊँगा, मगर अगली बार ये इत्मीनान करवाने के बाद कि आपकी फैमिली भी घर पर मौजूद हो। रोहान उसका नाजुक हाथ थाम कर उसे कार्ड पकड़ाता हुआ मुस्कुरा कर बोला, जिस पर ऐना उसे घूरने लगी। मतलब
आप डरा रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? ऐना को उस पर गुस्सा आया, जिसकी परवाह करते हुए रोहान अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। ना मैं आपको डरा रहा हूँ और ना ही ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप मुझे कॉल करेंगे। रोहान के लहजे में यकीन था, जिसे देखकर ऐना को हैरत हुई। वो जाने के लिए मुड़ा और दरवाजे पर पहुंचकर पलट कर दोबारा ऐना को देखने लगा। ऐना, मैं वक्त गुजारी करने वाला इंसान नहीं हूँ, अपने जज्बों में खड़ा हूँ, मैं शिद्दत से आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। रोहान एक नज़र ऐना को देखता हुआ बोला और दरवाजे से बाहर निकल गया। ऐना घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने हाथ में मौजूद कार्ड देख रही थी, जो उसे रोहान पकड़ा कर गया था। तुम्हें मालूम है यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश नहीं है, मगर तुमने गलती नहीं बेवकूफ़ी की है, अब तुम अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक किंग सोफे पर विराजमान अपने कदमों में बैठे हामिद को देखता हुआ बोला, जो रोमा की लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था, मगर बेएहतियाती की वजह से उससे बैग जिसमें रोमा की लाश मौजूद थी सड़क पर गिर गया। माफ़ कर दें सर, मैं आपका वफादार हूँ, ये मेरी पहली गलती है, आइंदा से आगे कुछ गलत नहीं होगा। हामिद ब्लैक किंग के कदमों में बैठा गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर गलती की सूरत में मुख्तलिफ स्ट्राइक्स लगाई जाती, या तो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते, या जंगली कुत्तों के बीच जिस्म पर खून मलकर जंजीरों से बांध दिया जाता, या फिर सिरिंज के ज़रिए आदमी को इंजेक्ट किया जाता जिससे उसका आधा धड़ मफलूज हो जाए। ऐसे ही रोमा ने भी गलती की थी, उसे गुड़िया की तरह सजा संवार कर ब्लैक किंग के हुक्म पर उसके ख़ास मेहमान के पास भेजा गया था, ताकि वो अपने हुस्न से ब्लैक किंग के मेहमान का दिल खुश कर दे, मगर उसने फ्रूट बास्केट में मौजूद फ्रूट नाइफ से ना सिर्फ ब्लैक किंग के मेहमान को ज़ख्मी किया था, बल्कि वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी। पकड़े जाने की सूरत में उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को सिगरेट से जलाया गया था और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बेरहमाना तरीके से उसको मारा गया था। तुम्हें मालूम है हामिद, तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मैं कितनी मुश्किल में फंस सकता हूँ, अगर पुलिस या मीडिया ज़रा भी चौकन्ना हो गई तो कितनी मुश्किल पैदा होगी मेरे लिए। अब अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो हर कोई गलती करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगेगा, और ब्लैक किंग ने तो अपने बाप को भी माफ़ नहीं किया था। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई जिस पर ब्लैक किंग को रहम आए। ब्लैक किंग ने बोलते हुए अपने जूते से हामिद के मुंह पर लात रसीद की। जुनेद उसे यहाँ से ले जाओ, इलेक्ट्रिक शॉक्स यकीनन उसके सोए हुए दिमाग को बेदार करने के लिए काफ़ी हैं, ब्लैक किंग ने अपने ख़ास बंदे को कहा, जो हामिद को खींचता हुआ वहाँ से ले गया। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो फहीम और नजमा का कत्ल करने के बाद उस मालगाड़ी में फ़रार हो गया था जिसमें मवेशियों को सिंध पहुँचाया जा रहा था। चाय के होटल पर काम करते हुए उसकी फैसल ज़ेरी से मुलाकात हुई, जिसका मुंशियात का कारोबार था। फैसल ज़ेरी उसे अपने साथ ले आया था। काशिफ की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ वो फैसल ज़ेरी का राइट हैंड बन गया, और जब फैसल ज़ेरी उस पर मुकम्मल एतमाद करने लग गया तब काशिफ उसके लिए वो सांप साबित हुआ जो दूध पिलाने के बावजूद डस लेता है। ऐसे ही काशिफ ने फैसल ज़ेरी का पत्ता हमेशा के लिए साफ़ कर दिया, और चंद सालों पहले जो कि फैसल ज़ेरी का ख़ास बंदा था अब वो ब्लैक किंग के नाम से जाना जाता। जब मंशियात के कारोबार में उसके कॉन्टैक्ट बढ़े तो उसने लड़कियों का कारोबार भी शुरू कर दिया। 45 साल की उम्र में वो फैसल ज़ेरी से ज़्यादा तजर्बेकार और मालदार हो गया था। दुनिया के सामने उसकी शनाख्त काशिफ ज़ेरी थी, जो कि शक्ल का बे इंतहा बदसूरत होने के बावजूद नहायत शरीफ और इज़्ज़तदार बिजनेसमैन था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो एक होटल का मालिक था, मगर कोई ये नहीं जानता था वो काली शक्ल के साथ साथ काले दिल और काले करतूत का भी मालिक था, जिसके आमाल के साथ साथ काम धंधे भी काले थे। सर, आपने बुलाया, सल्यूट मारकर इंस्पेक्टर शकील जहांगीर से पूछने लगा। हाँ बैठो, जहांगीर ने अपने सामने मेज़ पर रखी हुई फाइल बंद करते हुए उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया। रब्बानी के केस का क्या बना, जहांगीर चेयर से टेक लगाकर शकील से पूछने लगा। सर, अशरफ और उसका भाई किसी तरह नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया, रब्बानी को पैसे देकर ज़मीन खरीदी गई है। इंस्पेक्टर शकील गला खंगारता हुआ जहांगीर को रिपोर्ट देने लगा, और सबूत के तौर पर किसी किस्म के पेपर्स अशरफ या उसके भाई के पास मौजूद नहीं हैं।
जहांगीर की बात सुनकर इंस्पेक्टर शकील एक पल के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, सर अशरफ और उसके भाई के ताल्लुकात ऊपर तक हैं, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से बात आगे तक जाएगी, अगर आप बुरा ना माने तो बीच की राह निकाल लेते हैं, मेरा मतलब है। इंस्पेक्टर शकील झिझकता हुआ बोला तो जहांगीर ने टेबल पर हाथ मारा, शट अप शकील, क्या मतलब है बीच की राह निकालने से? हमें यहाँ इंसाफ के लिए बिठाया गया है, बीच की राहें निकालने के लिए नहीं, या फिर ले देकर मामला दबा लेना, ये सब मेरे होते हुए यहाँ नहीं चलेगा। जब तक इस इलाके का SP मैं हूँ, इस इलाके में कोई नाजायज काम नहीं होगा। अशरफ और उसके भाई के ताल्लुका जितने भी ऊंचे हों, उनकी मेरे इलाके में दादागिरी नहीं चलेगी। उन दोनों भाइयों को अच्छी तरह अपनी ज़बान में समझा देना, और अगर अब दोनों भाइयों ने रब्बानी या फिर उसकी फैमिली में से किसी भी फर्द को तंग किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये भी उन दोनों को बता देना। जहांगीर शकील को देखता हुआ बोला, जिस पर इंस्पेक्टर शकील जी सर कहता खामोश हो गया। 3 दिन पहले जिस लड़की की लाश सूटकेस से बरामद हुई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? जहांगीर अब दूसरे केस के बारे में इंस्पेक्टर शकील से पूछने लगा। जी सर, ये आधे घंटे पहले ही रिपोर्ट आई है। इंस्पेक्टर शकील पॉकेट से लिफाफा निकाल कर जहांगीर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई लड़की के बारे में, कौन थी, कहाँ रहती थी? जहांगीर लिफाफा चाक करके रिपोर्ट देखता हुआ शकील से पूछने लगा, रोमा नाम था उस लड़की का, उम्र 19 साल, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था, 10 दिन पहले कॉलेज से अचानक गायब हो गई थी, तो उसके वालदैन ने करीबी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर उसके बाद लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। इंस्पेक्टर शकील लड़की के बारे में तफसीलात जहांगीर को बताने लगा। डॉक्टर्स के मुताबिक उसको मारने से पहले इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। लड़की के जिस्म पर मौजूद ज़ख्म देखकर लगता है ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है, मगर हैरत की बात ये भी है कि ये कोई एक इंसान नहीं। इंस्पेक्टर शकील मज़ीद तफसीलात बताता हुआ जहांगीर से बोला, एक से ज़ायद अफराद इस काम में मुलव्वस हैं, मुझे लगता है कोई नया ग्रुप या गैंग का काम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादती करने के बाद उसको टॉर्चर किया गया है, हाथ की नसें काटने की वजह से शदीद खून बहा है, जिसकी सूरत उसकी मौत हुई है, मगर जो टैटू उसकी कमर पर मौजूद था वो 9 दिन पुराना है, यानी किडनैप करने के 1 दिन बाद उसको ये टैग दिया गया था। शकील, तुम्हें वो लड़का याद है जो 1 माह पहले 9 साल के बच्चे को अगवा करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया था? जहांगीर रिपोर्ट को दोबारा लिफाफे में डालता हुआ शकील से पूछने लगा। जी सर, आसिफ नाम था उसका, मेरे हाथों बड़ी दुर्गत बनी थी उसकी, मगर उसको ज़मानत पर रिहा करवा दिया गया था। उसका इस लड़की से क्या ताल्लुक? शकील कंफ्यूज होकर जहांगीर से पूछने लगा, क्या तुम्हें आसिफ की कमर पर वो टैटू याद नहीं? वो भी सेम वैसा ही था जैसे रोमा की कमर पर बनाया गया था। जहांगीर के बोलने पर इंस्पेक्टर शकील कुछ याद करता हुआ चौंका, या खुदा, मेरा दिमाग उस तरफ क्यों नहीं गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंस्पेक्टर शकील हैरत ज़दा होकर बोला। शकील, मुझे लग रहा है ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये कोई पेशावर लोग हैं। आसिफ से शायद कुछ मालूमात मिल जाएं, उसे फौरन हिरासत में लो। और दूसरा, मुझे रोमा के पेरेंट्स से मिलना है, कुछ पूछगछ करनी है। जहांगीर के बोलने पर शकील चेयर से उठा। सर, आसिफ के बारे में मुकम्मल छानबीन करके कल तक सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ और रोमा के पेरेंट्स तक आपका पैगाम पहुँचा देता हूँ। इंस्पेक्टर शकील जहांगीर को बोलता हुआ उसके कमरे से निकल गया। और मोटो, कैसी हो? आगोल सोफे पर बैठी हुई अपने सेल फोन में बिजी थी, तब रोहान उसके बालों को बिगाड़ता हुआ सोफे पर उसके बराबर में आकर बैठा। कितनी बार मैंने मना किया है भाई, फजूल नामों से मुझे ना पुकारा करें, आगोल रोहान से नाराज़ होती हुई बोली। बचपन से ही रोहान उसको छेड़ते हुए कभी कभार ऐसे ही नामों से पुकार कर तंग करता। ओहो रोहान, मत बोलो उसे, मालूम तो है अभी एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर खाने पीने में नखरे दिखाएगी, वैसे ही अब हड्डियाँ निकलने की देर है। फातिमा आगोल के चिढ़ने का नोटिस लेती हुई बेटे को आंखें दिखाती हुई बोली, अच्छा है ना, खान सामा को भी सुकून के लम्हात नसीब होंगे, वरना आए दिन उसकी शामत आती रहती है। वो आगोल के गाल पर चुटकी काटता हुआ बोला, आह मम्मा, भाई को देखें, ये फाइट का आगाज़ कर रहे हैं। आगोल ने सोफे पर रखा हुआ कुशन मारने की गर्ज से उठाया, जिसे रोहान पकड़ चुका था। भाई ना तंग करें, वापस करें मेरा मोबाइल। रोहान अब उसका मोबाइल छीन चुका था। आगोल बिगड़ती हुई बोली, रोहान। उसी वक्त मंसूर हॉल में दाखिल हुआ था और रोहान को तंबीह करने वाले अंदाज में पुकारा।
रोहन अगोल को मोबाइल वापस देता हुआ सीधा होकर बैठ गया और अगोल भी बाप को देखकर अपनी जगह पर बैठ गई। काफ़ी लेट हो गए आप दोनों ऑफिस से? मंसूर सोफे पर बैठा तो फातिमा शौहर को देखती हुई पूछने लगी। हाँ, ऑफिस वर्क का लोड ज़्यादा हो गया था आज, इसीलिए देर से आना हुआ। तुम आज घर पर ही हो, खैरियत है? मंसूर रिलैक्स बैठता हुआ फातिमा को देखकर पूछने लगा। मालूम तो है आपको, मैं एक ही रूटीन से घबरा जाती हूँ, इसीलिए सोचा अब चंद दिन घर पर ही वक्त गुजार लूँ। फातिमा की आदत थी, वो एक सी रूटीन से जल्द घबरा जाती थी। चंद माह पहले फातिमा को पर्शियन कैट पालने का शौक़ था। बिल्ली से इतना ज़्यादा मानूस हुई कि उसकी फोतगी पर फातिमा को डिप्रेशन होने लगा, जिसकी वजह से मंसूर ने अपनी बीवी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे बुटीक खुलवा कर दे दिया। मगर चंद माह बाद ही उसका बुटीक से भी दिल भर गया तो उसे गार्डनिंग का शौक़ हो गया। आजकल उसने एक NGO ज्वाइन की हुई थी जो कि मज़लूम और बेसहारा औरतों की खिदमत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, मगर अब वो वहाँ रोती धोती औरतों को देखकर भी उकताने लगी थी। रोहन, परसों शिप में कुछ सामान लोड करवाना है, तुम मैनेजर या फिर अपनी निगरानी में करवा देना, मुझे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मंसूर बीवी की बात सुनकर अब बेटे को देखता हुआ बोला। चंद माह हुए थे रोहन को बिज़नेस संभाले हुए। मंसूर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रोहन इस हद तक बिज़नेस में दिलचस्पी लेगा और बहुत जल्द बिज़नेस में अपने कदम जमा लेगा, बल्कि ज़्यादातर मामलात को अब वहीं देखता था। रोहन के बिज़नेस ज्वाइन करने से मंसूर काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया था। इसकी आप फिक्र मत करें दादी, पिछली दफ़ा की तरह सब सामान अपनी निगरानी में ही लोड करवाऊँगा, रोहन मंसूर से बोलता हुआ कुछ सोचने लगा। अगोल मंसूर और रोहन को बिज़नेस की बातें करते देख कर वहाँ से जाने लगी। अगोल, कहाँ जा रही हो, यहीं बैठो। अगोल को अपने कमरे में जाता देख कर मंसूर की तवज्जा बेटी पर गई। डैडी, बोर करती हैं मुझे ये बिज़नेस की बातें, वो मुंह बनाती हुई बोली और वापस अपनी जगह पर बैठी। तुम्हारी कंप्लेन मिली है मुझे, हफ्ते पहले तुम ड्राइवर की बजाय खुद कार ड्राइव करके यूनी गई थी। मंसूर अगोल को देखता हुआ पूछने लगा। डैडी, अगर मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती तो फिर मेरी ड्राइविंग सीखने का क्या फ़ायदा? अगोल को नरम लहजा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि चंद माह से अगोल की बदतमीज़ी देखकर मंसूर उससे थोड़ी सख्ती बरतने लगा था और वो भी पूरे घर में मंसूर का ही लिहाज करती। ड्राइविंग सीखने की परमिशन मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़िद पर दी थी, मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि कार अकेले लेकर घर से ही निकल जाओ, आइंदा मैं कोई शिकायत ना सुनूँ, मंसूर अगोल को वार्न करता हुआ बोला। जी डैडी, अगोल मिनमिनाती हुई बोली। अब उसके हाथों ड्राइवर की शामत आनी थी जिसने मंसूर को यह सब बताया। वो तो शुक्र था अगोल ने सैफी से कहकर कार का टूटा हुआ शीशा सही करवा दिया था, वरना मंसूर के साथ साथ रोहन भी उस पर नाराज़ होता। रोहन बेटा, आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? मतलब स्टडीज़ कब की कंप्लीट हो चुकी हैं, बिजनेस सेट है, मेरे ख्याल में अब शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी, क्यों मंसूर? फातिमा ने रोहन को मुखातिब करते हुए मंसूर से भी अपनी बात की ताईद चाहिए। मैं आप दोनों से इसी सिलसिले में बात करने वाला था, ऐना मुझे अपने लिए पसंद है, वो आप दोनों को भी पसंद आएगी, रोहन के बोलने पर वो तीनों हैरत से रोहन को देखने लगे। ये ऐना कौन है, फादर क्या करते हैं इसके? मंसूर को याद नहीं आया उनके सर्कल में किसी बच्ची का नाम ऐना था, इसीलिए डायरेक्ट फादर का ही पूछने लगे। पेरेंट्स हयात नहीं है, एक भाई है और दादी है जिनके साथ वो रहती है। फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात मुझे भी नहीं है, वो खुद अगोल की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उससे एक साल सीनियर है, रोहन बारी बारी मंसूर और फातिमा को देखता हुआ बताने लगा। रोहन प्लीज़, अब तुम ये मत कह देना कि तुम मिडिल क्लास लड़की से शादी अब तुम ये मत कह देना कि तुम किसी मिडिल क्लास लड़की से दिल लगा बैठे हो, रिश्ता करते वक्त फैमिली और बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है, फातिमा ने बोलते हुए जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। मम्मा, उसे पसंद करते वक्त मैंने उसकी क्लास के मुतालिक नहीं सोचा, ना ही मुझे उसकी क्लास या फैमिली से लेना देना है, बस शादी में उसी से करूँगा ये कन्फर्म है, रोहन फातिमा को जताता हुआ बोला और वहाँ से उठकर चला गया। वो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जितना ज़िद्दी था उसके बरअक्स अब वो वैसा बिल्कुल नहीं रहा था, लेकिन अगर किसी बात पर अब भी अड़ जाता तो फिर वो काम करके ही रहता था। मंसूर, देख रहे हैं आप अपने बेटे की टेंशन देने वाली बातें, फातिमा अब शौहर को देखती हुई बोली, मगर वो भी उसे हाथ के इशारे से कुछ ना बोलने का कहकर अपने कमरे में चला गया। भाई से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो नहीं थी, मगर क्या कर सकते हैं,
अब जब से भाई ने बिजनेस संभाला है, डैडी तो उनकी हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। आगोल कंधे उचकाकर फातिमा को कहती हुई दोबारा अपने मोबाइल में बिजी हो गई। आज से 3 दिन पहले वो ऐना से मिलने के लिए उसके घर गया था और जब से ही वो उसकी कॉल का वेट कर रहा था। उसने ऐना को जब पहली दफ़ा देखा था तो वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बारे में मालूमात फ्राहम करने से रोहान को ये मालूम हुआ कि वो कहीं किसी से इंगेज नहीं है। दिल ने जब मज़ीद ऐना के बारे में सोचना शुरू किया तो रोहान ने उसे फूल भेजना शुरू कर दिए। 3 बार तो उसने रोहान का भेजा हुआ बुके रख लिया, मगर 4थी बार उसने वो लेने से इनकार कर दिया तो रोहान उसके सामने आ गया। अब दिल था कि ऐना को देखने के बाद शदीद बेकरार था, मगर शायद ऐना को उसके दिल की कदर नहीं थी, या वो उसे फ्लर्टी टाइप इंसान समझ रही थी, मगर रोहान उसे नरमी से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। यहाँ वो अपनी फितरत से हटकर काम ले रहा था। बचपन से उसे जो चीज़ चाहिए होती थी वो उसे ज़बरदस्ती हासिल कर लेता था, मगर चूँकि ऐना के लिए उसका दिल एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में धड़का था, इसीलिए वो उसे भी मुख्तलिफ तरीके से अपनाना चाहता था। वो उस पर धौंस जमा कर या रोब डालकर उसे अपने आप से बददिल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ऐना को टाइम दे रहा था। न जाने क्यों उसे ऐना ने कॉल नहीं की थी। क्या वो उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ सच्चाई नहीं देख सकी थी? रोहान अपने बेडरूम में बेड पर बैठा हुआ यही सोचे जा रहा था, तब उसका मोबाइल ब्लिंक करने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर रोहान की आंखों में चमक उभरी। उसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे और कॉल को आंसर करता हुआ उसने अपना मोबाइल कान पर लगाया। हेलो, ऐना की घबराई हुई आवाज़ उसके कान से टकराई तो रोहान को अपने अंदर इत्मीनान उतरता महसूस हुआ। पिछले 3 दिन से मैंने एक एक मिनट तुम्हारी कॉल का वेट किया है, रोहान नरमी से बोलता हुआ आपसे तुम का फासला तय कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये तकल्लुफात की कच्ची दीवार वो गिरा देना चाहता था। ऐना उसकी बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हुई। मुझे नहीं मालूम मैंने आपको कॉल करके सही किया या गलत, मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रही। 3 दिन से वो भी अजीब उलझन में उलझ कर रह गई थी। दिमाग था कि बार बार सर्जनिश करता और दिल था कि बार बार उसे कॉल करने पर उकसाता था। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी, मगर आज वो अपने दिल की सुनने पर मजबूर हो गई थी। तभी रोहान को कॉल मिला दी। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आज मुझे कॉल करके तुमने अपने साथ बिल्कुल ठीक किया है। इसका अंदाज़ा तुम्हें कल सुबह हो जाता जब तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने घर से निकल रही होती। रोहान ने जितने आराम से बोला था, ऐना घूर कर अपने मोबाइल को देखने लगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आज मैं कॉल नहीं करती तो आप कल सुबह मेरे घर पर आ जाते? ऐना को उसकी दी गई धमकी याद आई थी, तभी वो उससे पूछने लगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आज अगर तुम मुझे कॉल नहीं करती तो मैं कल सुबह तुम्हें यूनिट जाने से पहले उठवा लेता। रोहान बिल्कुल सीरियस होकर नॉर्मल से अंदाज में बोला। आप मजाक कर रहे हैं? ऐना उसके अंदाज और लहजे पर कंफ्यूज होकर पूछने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल संजीदा था। तुम्हें मजाक लग रहा है तो मजाक की तरह इंजॉय करो, रोहान ने बेड पर लेटते हुए उसे मशवरा दिया। ओह, आप मुझे डरा रहे हैं? ऐना मोबाइल कान से लगाए अपने रूम में टहलती हुई रोहान से पूछने लगी। तुम डर रही हो मुझसे? रोहान ने उल्टा उससे सवाल किया। मैं पुलिस ऑफिसर की बहन हूँ, डरती हरगिज़ नहीं, ऐना उसको जताती हुई बोली तो रोहान चौंका। उसका भाई पुलिस में था, यानी उसने दिल भी लगाया तो ख़तरनाक सा खबर। अच्छा, तो तुम्हारा भाई पुलिस ऑफिसर है और तुम डरपोक नहीं हो, फिर तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। रोहान की बात सुनकर वो एक पल के लिए खामोश हो गई और उसकी बात का मफहूम समझने लगी। मतलब कैसे मज़ा आने वाला है? ऐना कन्फ्यूज़ होती हुई रोहान से पूछने लगी। गेम खेलने का, चोर सिपाही वाला गेम, रोहान पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं अब भी आपकी बात नहीं समझी, ऐना को लगा वो बहुत मुश्किल बातें करता है। वो वापस अपने बेड पर बैठती हुई बोली, तुम मेरी बातों को समझना छोड़ो, बस मुझको समझने की कोशिश करो। रोहान ने बेड पर लेटे लेटे उसे मशवरा दिया। आप क्या मैथमेटिक्स का सवाल है जो आपको समझूं? ऐना ने बात को मजाक में उड़ाते हुए उसे पूछा। मैथमेटिक्स के सवाल से भी ज़्यादा मुश्किल, रोहान उसे अपनी शख्सियत के बारे में बताने लगा। उफ़, आप तो बहुत मुश्किल बातें करते हैं, ऐना आँखें गोल घुमाती हुई बोली। चलो अब आसान बात बता दो, क्या कर रही थी इस वक्त? उसने ऐना से बहुत आसान सवाल पूछा। पढ़ रही थी, परसों पेपर है मेरा।
ऐना रोहान को बताने लगी, मगर ये नहीं बता पाई। उसका सारा ध्यान अपने नोट्स की बजाय नोट्स में रखे हुए उस कार्ड पर था जो रेहान उसके हाथ में थमा कर गया था। फिर मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया? न जाने रोहान उसके मुंह से क्या सुनने का मुंतजर था, जभी वो पूछने लगा। बस खुद ही आ गया, आप बताएं आप क्या कर रहे थे? ऐना उसे टालती हुई उल्टा उससे सवाल पूछने लगी। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब ये मत समझना कि तुमने पूछा है तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं वाकई तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वो शायद ऐना को अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, वो चाहता था ऐना उसके जज्बों पर यकीन करे। अच्छा, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? ऐना ने तजस्सुस से पूछा। ये मत पूछो, बेशक तुम डरपोक नहीं हो मगर डर जाओगी, रोहान मुस्कुराहट छुपाता हुआ मायने खेजी से बोला। मेरे ख्याल में मुझे कॉल रखनी चाहिए, ऐना ने दीवार पर टंगी हुई घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत, वरना अभी के अभी तुम्हारे घर आ जाऊँगा, रोहान उसे धमकाता हुआ बोला। मुझे पढ़ना है रोहान, ऐना उसका नाम लेते हुए थोड़ा झिझकी थी और उसका झिझकना ही रोहान के दिल को भाग गया। आज से पहले तो मुझे अपना नाम इतना खास लगा ही नहीं, क्या तुम मुझे एक बार फिर मेरे नाम से पुकार सकती हो? रोहान की फरमाइश सुनकर ऐना एक पल के लिए खामोश हुई। रोहान, बहुत आहिस्ता से बोलते हुए उसने अपनी पलकें झुकाई थीं जैसे रोहान उसके सामने ही मौजूद हो। रोहान एक जज्ब से अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराया। क्या मैं अब कॉल रख दूं? ऐना एक बार फिर पूछने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था जहांगीर ड्यूटी से घर पर आ गया है। कल मैं तुम्हें इसी टाइम कॉल करूंगा, बल्कि रोज़ हम इसी टाइम पर बात किया करेंगे, रोहान खुद ही डिसाइड करता हुआ ऐना से बोला। जी नहीं, ऐसी तो कोई कहानी नहीं हो रही रोज़ रोज़ बात करने वाली, ऐना ने उसे फ्री होता देख कर फौरन टोका। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में से तुम एक घंटा रोज़ाना मेरे लिए निकालोगी, अब मैं कोई दूसरी बात नहीं सुनूंगा, बेशक अभी कॉल कर दो, हम बात करेंगे। रोहान की बात सुनकर ऐना ने कॉल काट दी। आज वो थोड़ा सा रिलैक्स इसीलिए टाइम निकाल कर जल्दी घर आ गया। अब वो घर से चेंज करने के बाद मॉल जाने का इरादा रखता था। 10 दिन बाद ऐना की बर्थडे थी और जहांगीर उसके लिए गिफ्ट लेना चाहता था। हमेशा से ही बर्थडे पर कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया जाता, बर्थडे को घर पर ही सेलिब्रेट किया जाता। ऐना घर में ही केक बेक कर लेती, बर्थडे वाले फ़र्द का मनपसंद खाना बनता और गिफ्ट दिए जाते। बस ऐना की बर्थडे वाले दिन उसे अपनी सारी मसरूफियात तर्क करनी पड़ती और घर में ही दिन गुजारना पड़ता, वरना उससे नाराज़ नहीं होती बल्कि बाकायदा लड़ती थी। चंद दिन से वो रोमा के केस को लेकर काफ़ी उलझा हुआ था। उसने रोमा के पेरेंट से भी मुलाकात की थी मगर कोई ऐसा सिरा हाथ नहीं आया था जिससे वो उन लोगों तक पहुंच सके। इंस्पेक्टर शकील ने उस आसिफ नामी बंदे का भी पता लगाया जिसकी कमर पर के का टैटू मौजूद था। उसके बारे में मालूमात करके पता चला कि जेल से रिहा होने के दूसरे ही दिन उसकी लाश वीरान जगह पर झाड़ियों में से बरामद हुई थी। उस वक्त उसके पास फ़िलहाल उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था जो लड़कियों और बच्चों को किडनैप करते थे। ये कोई नया गैंग था जो एकदम से सामने उभर कर आया था। ये सारी बातें सोचता हुआ वो एक शॉप में दाखिल हुआ। अचानक एक लड़की तेज़ी से बाहर निकली। जहांगीर उसे देखकर साइड पर हुआ मगर वो भी कंफ्यूज होकर साइड पर हुई और उससे टकरा गई। सॉरी, रियली सॉरी। लड़की के हाथ में मौजूद डिस्पोजिबल कॉफ़ी का कप जहांगीर की जैकेट को अच्छा खासा ख़राब कर चुका था, जिस पर वो लड़की शर्मिंदा होती हुई जहांगीर को सॉरी करने लगी। दिमाग जैसी चीज़ बेशक लड़कियों के पास कम ही पाई जाती है मगर आँखों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जहांगीर उसे शर्मिंदा करता हुआ शॉप की बजाय टॉयलेट की तरफ चला गया। उसकी जैकेट के साथ उसका मूड भी ख़राब हो चुका था। मॉल में आज आम दिनों से ज़्यादा गहमा गहमी थी। उसकी बानिस्बत वॉशरूम वाले एरिया में ज़्यादा रश नहीं था। सैफी, तंग नहीं करो, बैग दो मेरा, जहांगीर के कानों से किसी लड़की की आवाज़ टकराई। लेफ्ट साइड पर जेंट्स टॉयलेट थे जबकि ऑपोजिट साइड पर लेडीज़। पहले प्रॉमिस करो होटल अल किंग में मुझसे मिलने आओगी, लड़के की आवाज़ के साथ जहांगीर ने लेफ्ट साइड का दरवाज़ा खोला जहां एक के बाद एक कतार में वॉशरूम मौजूद थे जबकि दूसरी साइड लाइन से वॉश बेसन बने हुए थे। एकदम दरवाज़ा खुलने पर आगोल के कदम वहीं रुके।
सैफी भी दरवाजे पर आने वाले को देखने लगा। जहांगीर की नज़र पहले उस लड़की पर गई जो उस लड़के पर गई जो के हाथ में लेडीज़ बैग पकड़े हाथ को हवा में ऊंचे किए हुआ था ताकि वो लड़की उससे बैग न ले सके। अब वो नागवार नज़रों से उस बददिमाग और मगरूर लड़की को देख रहा था जो आज भी फजूल किस्म की ड्रेसिंग में मौजूद थी। वो अपना हाथ ऊंचा करके उस लड़के से अपना बैग लेने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से वो उस लड़के के काफ़ी नज़दीक खड़ी थी। जहांगीर उन दोनों को इग्नोर करके अंदर दाखिल हुआ। वो उस लड़के को भी पहचान चुका था, ये वही रेस्टोरेंट वाला लड़का था। जहांगीर के अंदर दाखिल होते ही वो दोनों सीधे हो गए। सैफी ने आगोल को बैग पकड़ाया। अब वो दोनों बाहर जा रहे थे। जेंट्स टॉयलेट के एरिया में कौन लड़की आती है, इडियट, जहांगीर नागवारी से सोचता हुआ टैब खोलकर जैकेट साफ करने लगा। वो वॉशरूम के अंदर दाखिल होने वाले शख्स को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। ये वही बदतमीज़ इंसान था जिसने ना सिर्फ उससे बदतमीजी की थी बल्कि उसकी कार का शीशा भी पत्थर मारकर तोड़ा था और अभी वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे टॉयलेट उसके बाप का हो। लेडीज़ टॉयलेट की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उस वजह से वो अपना बैग सैफी को पकड़ाकर गार्ड के कहने पर जेंट्स टॉयलेट गई थी। आज उसका यूनिवर्सिटी से ही शॉपिंग का प्रोग्राम बन गया तो वो सैफी के साथ शॉपिंग मॉल आ गई। वो अपने लिए बैग्स देख रही थी तब उसे शॉप पर सैफी नज़र नहीं आया, न जाने कि कहाँ मर गया। आगोल बैग देखती हुई सैफी के बारे में सोचने लगी तब अचानक ज़ोर से मॉल में सायरन की आवाज़ आने लगी, साथ ही लोगों में भगदड़ मच गई। शॉप पर मौजूद अफराद भी बाहर की तरफ भागे। आगोल भी लोगों को देखती हुई शॉप से बाहर निकली। हर तरफ से सायरन के अलार्म के साथ साथ दीवार के ऊपर लगी लाल बत्ती भी मुसलसल जल रही थी। लोगों का सैलाब आग आग शोर की आवाज़ के साथ भागने में मसरूफ़ था। सैफी, सैफी, आगोल चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई सैफी को पुकार कर चीखी। वो उस वक्त सेकंड फ्लोर पर मौजूद थी। उसे नहीं मालूम था आग कहाँ पर लगी हुई है। सब लोग सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे। आगोल ने भी वहीं भागना शुरू कर दिया। उसे आखिर की दो सीढ़ियों पर लोगों के रश में सैफी नीचे उतरता हुआ नज़र आया जिसे देखने के बाद आगोल ने उसे आवाज़ दी और सैफी ने शायद उसकी तरफ देखा भी था मगर वो उसके पास आने की बजाय नीचे भागा। आगोल सीढ़ियों पर खड़ी उसे आवाज़ दे रही थी, पीछे से ज़ोरदार धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ी से नीचे गिरी। एक और लड़की भी उसके ऊपर गिरी मगर उस लड़की के भाई या शौहर ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया और भागना शुरू कर दिया मगर दूसरे लोगों के भागने और सीढ़ी से उतरने के बाइस आगोल उठ ही नहीं पाई। कोई आदमी भागते हुए बुरे तरीके से ज़मीन पर रखा हुआ उसका हाथ अपने जूते से कुचलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वो रोती हुई बमुश्किल उठी और सीढ़ियों से नीचे उतरी मगर फर्स्ट फ्लोर पर भी अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोगों के शोर और भगदड़ की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब की बार वो सीढ़ियों से उतरने की बजाय लिफ्ट की तरफ बढ़ी और ज़ोर ज़ोर से लिफ्ट के बटन प्रेस करने लगी ताकि डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच जाए मगर यहाँ आना भी बेकार साबित हुआ। उसका हैंड बैग धक्कों मुक्कों में न जाने कहाँ गिर गया था। उसे मालूम ही नहीं हुआ। वो दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी मगर बदकिस्मती से एक बड़ा सा रैक जिस पर खाने पीने की अशिया रखी हुई थी लोगों के भागने से अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका। वो नीचे की तरफ सजदा करता हुआ उसके ऊपर गिरने लगा। आगोल ने खौफ से पूरी आँखें खोल कर रैक को देखा और भागने की कोशिश की। आह, एक दिल खराश चीख उसके मुंह से निकली। आप वापस अंदर नहीं जा सकती, आग बुरी तरह फैल रही है। लोगों का हजूम मॉल के बाहर खड़ा हुआ था। पुलिस वक्त पर पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड को भी बुलवाया गया था। एक औरत रोती हुई अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तब एक पुलिस वाला उससे बोला, प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरा बच्चा अंदर रह गया है। वो जारों की तार रोती हुई पुलिस से बोली। उसका शौहर भी पुलिस से मुस्तकिल मिन्नतें कर रहा था। बहुत से लोग खौफ से कोई ज़ख्मी होने की वजह से रो रहे थे। एम्बुलेंस आना शुरू हो गई थी। एम्बुलेंस में जले हुए और ज़ख्मी लोगों को बिठाया जा रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मीडिया की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गई थीं। पुलिस मीडिया की टीम के साथ साथ लोगों पर भी काबू पाने की कोशिश कर रही थी। किस फ्लोर पर गुम हुआ था आपका बेटा, कुछ अंदाज़ा है आपको, जहांगीर ने उस औरत को तड़पते हुए देखा तो उसके साथ मौजूद उसके शौहर से पूछने लगा। यहीं इसी फ्लोर से सीढ़ियां उतरते हुए हाथ छूट गया था।
प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, हम आपके ज़िंदगी भर मकरूज रहेंगे, वो आदमी बेबसी से जहांगीर को देखता हुआ बोला। वैसे ही मॉल के सेकंड फ्लोर का शीशा टूटा और आग में लिपटा हुआ एक वजूद खिड़की के नीचे आ गिरा। लोगों में चीखों पुकार मच गई, खौफो हिरास फैलने लगा। ना जाने कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हुए थे। क्या कर रहे हैं आप, अंदर जाना अलाउ नहीं है। जहांगीर ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए तो इंस्पेक्टर सख्त लहजे में उससे गोया हुआ। जहांगीर पॉकेट से अपना आईडी कार्ड निकाल कर पुलिस को दिखाने लगा। सर, अंदर जाना काफ़ी रिस्की है, आग काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले रही है। अब की बार इंस्पेक्टर सल्यूट मारता हुआ जहांगीर को नरमी से बोलने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम को दोबारा कॉल करो, जहांगीर उसे मशवरा देता हुआ मॉल के अंदर आग से बचता बचाता चला गया। नीचे वाला फ्लोर तकरीबन पूरा आग की लपेट में मौजूद था। चारों तरफ शॉप्स पर आग लगी हुई थी। धुआं इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ पर जहांगीर पीछे मुड़ा। यहाँ आओ बेटा, जहांगीर 6 साल बच्चे की तरफ भागता हुआ गया जो डरा हुआ रो रहा था। बच्चा भी डर के मारे फौरन जहांगीर से लिपट गया। प्लीज़ मेरी हेल्प करो कोई, जहांगीर ने बच्चे को उठाया। तब उसे रोती हुई किसी लड़की की आवाज़ आई। जहांगीर ने सीढ़ियों की तरफ देखा, यह ऊपर से आवाज़ आ रही थी। जहांगीर बच्चे को लेकर थोड़ी मुश्किल से आग से बचता बचाता बाहर निकला। सर प्लीज़ रुकें, बच्चा भागता हुआ बाहर आया। मगर जहांगीर को दोबारा मॉल की तरफ अंदर जाता देखकर पुलिस ऑफिसर चीखा था, लेकिन तब तक जहांगीर वापस अंदर जा चुका था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब ज़ोरदार धमाके के साथ लकड़ी का बड़ा सा तख्ता दाखिली दरवाजे की तरफ जा गिरा, जिसे आग ने पूरी तरह लपेट में लिया हुआ था। अब बाहर निकलने का रास्ता तकरीबन बंद हो चुका था और नीचे वाला फ्लोर पूरा आग की लपेट में था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ द नॉवल। क्या नाम है इसका, क्या नाम है? सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नॉवल ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल दिल यू मिले हमारे। अब रोने ना लग जाना कि मैंने बहुत सस्पेंस पे एंड किया है। एक्चुअली ये सीन अभी फिर अगेन लंबा चलना था और मैं थक गई हूँ, और फिर जब बीच में ही स्किप करना था कहीं पर, तो फिर क्यों ना सस्पेंस पे लाकर ख़त्म करती कि आपको भी मज़ा आता और मुझे भी मज़ा आता। होप दैट यू लाइक इट। कल का एपिसोड अगेन अभी बहुत फ़नी होगा, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इंटरेस्टिंग ये नॉवल होता जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एपिसोड भी इसका पसंद ही आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी, एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माई निकम्मी औलाद। अल्लाह हाफिज़। फायर ब्रिगेडियर होता ना, फायर ब्रिगेड। अभी मेरा माइंड से स्किप हो गया है, क्या होता है फायर ब्रिगेडियर होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कोई भूलने वाली बातें होती हैं। फायर ब्रिगेडियर की टीम को दोबारा कॉल करो।